टेलीग्राम में जो चैनल है ओनली यूपीपीएससी और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दोनों में मैंने शेयर कर दी है। सिर्फ जो रेड कलर का लिखा है वही मुद्दे वाली बात है। वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं, पहला जो मंडे होता है अक्टूबर का, इस बार 1 अक्टूबर को मनाया गया ये। और जो इसका थीम क्या था, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और स्लोगन क्या था, वेस्ट वाइज सिटीज़, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें 149वीं जो जयंती थी इस बार महात्मा गांधी जी की, उसमें सिडबी ने एक जो प्रोग्राम है लॉन्च किया, उसका नाम क्या था, उद्यम अभिशाला। इसका एम क्या था, इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। तो एक नेशनल लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस बढ़ाना, उसके लिए कैंपेन खोला। किसने खोला, सिडबी ने खोला। नाम क्या है, उद्यम अभिशाला। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, उद्यम अभिशाला किसका है, उद्यम अभिशाला किसका है, सिडबी का है। किस चीज़ के लिए है, इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस। नेक्स्ट इसमें है, एचआरडी मिनिस्टर ने अभी स्वच्छ कैंपस रैंकिंग 2018 जारी की है, और इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी यूनिवर्सिटी को क्लीनेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अगर ये पूछा जाएगा कि स्वच्छ कैंपस रैंकिंग किसने जारी की है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने, ठीक है। इसमें नंबर वन यूनिवर्सिटी कौन सी रही, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसको मिला है सबसे स्वच्छ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का अवार्ड, ठीक है। तो ये दो चीज़ बस आप याद रखिएगा, जो यहाँ पे रैंकिंग डिसाइड की गई थी, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन एक चलाया गया था उसके बाद की गई। अब उसके बाद देखिए सेकंड थर्ड तो बहुत सारे हैं, मेरे हिसाब से अब इतना टाइम नहीं, मेन मेन बातें बस फोकस करिए। हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी टॉप रही है, क्लीनेस्ट अवार्ड मिला है इसको स्वच्छ कैंपस रैंकिंग का, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री ने दिया। नेक्स्ट है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक $240 मिलियन का लोन किया है। किस चीज़ के लिए किया है, सेफ और सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए वेस्ट बंगाल में। देखिए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में अगर आपको ये पता हो कि जो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की प्रॉब्लम जो है, कंटेमिनेटेड है वहाँ का ग्राउंड वाटर आर्सेनिक फ्लोराइड और सैलिनिटी से, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, इनके लिए एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक आया है लोन $240 मिलियन का। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बांकुड़ा नॉर्थ, 24 परगना और पूर्वा मेदिनीपुर, बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बस मैं। नेक्स्ट है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को मिला है बेस्ट डिपार्टमेंट का अवार्ड, ठीक है। एक देखिए स्वच्छता ही सेवा एक होती है कैटेगरी, उसमें एक कॉलम होता है ये स्वच्छता पखवाड़ा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बेस्ट डिपार्टमेंट बोला गया है स्वच्छता पखवाड़ा मेंटेन करने के लिए, किस अवार्ड के तहत, स्वच्छता ही सेवा अवार्ड के तहत। किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर एंड सैनिटेशन का एक अवार्ड है स्वच्छता ही सेवा, उसमें बेस्ट डिपार्टमेंट मिला है रेलवे मिनिस्ट्री को, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है इसमें, 31वां ऑल इंडिया रेलवे चेस टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है स्वच्छ रिलीजियस प्लेस कौन सा है, तो वो अब कौन सा हो गया, माता वैष्णो देवी, ठीक है। माता वैष्णो देवी को मिला है क्लीनेस्ट रिलीजियस प्लेस अवार्ड। किस में मिला है, सफाई गिरी समिट एंड अवार्ड 2018, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था इंडिया टुडे ग्रुप ने मुंबई में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे स्वच्छ कौन सा है आपका रिलीजियस प्लेस, जो माता वैष्णो देवी का है, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, त्रिकुटा हिल्स में, बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस हिल्स भी पूछा जा सकता है, तो ये त्रिकुटा हिल्स में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट है इसमें, इंडिया ने $150 मिलियन का है पैक्ट किया है एडीबी के साथ, किस चीज़ के लिए, पहला ग्लोबल स्किल पार्क, ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क पहला वाला कहाँ पे आएगा, भोपाल में आएगा, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा कि पहला जो ग्लोबल स्किल पार्क को कहाँ बन रहा है, भोपाल में बन रहा है। अच्छा इसमें एक बात ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि कानपुर में क्या है, कानपुर में 2016 के आसपास आई थी पहली स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बन रहा है, MP भोपाल में। नेक्स्ट है इसमें, इंडिया इंटरनेशनल साइन फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये हुआ था लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी के करंट अफेयर के टाइम भी मैंने बताया था आपको, चौथा एडिशन था इसका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, और ये लखनऊ में आयोजित हुआ।
किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कराया था। और थीम क्या थी इसकी? थीम थी इसकी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें एक, अभी साइंस साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक कुछ ऐसे रीजन, मतलब ये यहाँ पे अगर आप देखें इसमें, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मतलब मेन चीज़ है जिंक के लिए कुछ डिस्कवरी हुई है यहाँ पे, और जो भी जिंक की जिसमें डिफिशियंसी होती है उसको ये फ्रूटफुल हो सकती है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ऑपरेशन समुद्र मैत्री याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन है और किस चीज़ के लिए है? जो भी इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया है या फिर सुनामी आया है उनको असिस्टेंट करने के लिए भारत सरकार का ये ऑपरेशन है समुद्र मैत्री, ठीक है, समुद्र मैत्री याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें पहला रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये शिमला में हुआ, ठीक है। किस चीज़ पे, क्या सब्जेक्ट था इसमें? वुमेन इन डिटेंशन एंड एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। तो इसका जो पहला रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था शिमला में हुआ ये, और इसको बीपीआरडी ने करवाया है, प्रिजन डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश है उसके साथ मिलके। डिजी यात्रा वाला मैं बता चुका हूँ आपको, डिजी यात्रा में वही है कि आपकी एक डिजिटल आईडी बन जाएगी और आप दोबारा जब जाएंगे तो वहाँ पे पेपर वेपर की जो फोटो कॉपी ले जाते हैं, ये सब जो आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ और टिकट टिकट ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके फेस से ही, फेशियल रिकॉग्निशन से ही हो जाएगा। मुद्दे वाली बात क्या है यहाँ पे कि पहला फेज जो चालू होगा यहाँ पे उसमें हैदराबाद और बेंगलुरु में ये चालू होगा पायलट बेसिस पे, मतलब पहले ट्रायल करेंगे और फिर इसको दूसरे जो एयरपोर्ट हैं जैसे कोलकाता, वाराणसी, पुणे और विजयवाड़ा, वहाँ पे इसको फिर ये कर देंगे। अब ये सब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, इसको बार बार वही चीज़ नहीं देखने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट इसमें ये आ सकता है कि किस आईआईटी ने एक एकेडमी ऑफ लीडरशिप की जो इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है, ये आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है। एकेडमी ऑफ लीडरशिप बनाएगा ये, किस चीज़ के लिए? इनोवेटिव प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसमें पहली इंडिया और वियतनाम की कोस्ट गार्ड ज्वाइंट एक्सरसाइज, इसका नाम क्या था? सहयोग हॉप टैक, ठीक है, सहयोग हॉप टैक 2018 कहाँ पे आयोजित की गई? बे ऑफ बंगाल में, चेन्नई में की गई, ये इंपॉर्टेंट बात है बस। फिर देखिए नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आई 130, 189 कंट्रीज में। अब इसके बारे में चर्चा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए सब मैं कर चुका हूँ, ये आपको अलग से वीडियो दे चुका हूँ, इकोनॉमी वाला, पापा वाला वीडियो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, मेन बात जरूर याद रखिएगा नॉर्वे नंबर वन पे है, ठीक है। ये एक पिक थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको बस देख लीजिए एक बार, इंडिया की 130 है, बांग्लादेश की 136 है और पाकिस्तान की 150 है, नॉर्वे नंबर वन पे था इसमें, और स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे लास्ट में था नाइजर और फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज क्विजिन समिट और फूड फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ है आपका? ये हुआ है आपका किला गोविंदगढ़, अमृतसर, पंजाब में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी का, तो ये वर्ल्ड शेफ जो हुआ है वो पहले बात चल रही थी शायद मलेशिया में करने की, लेकिन ये हुआ कहाँ पे फाइनली? ये हुआ है इंडिया में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड हेरिटेज क्विजिन समिट और फूड फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? किला ये गोविंदगढ़ में, अमृतसर में, पंजाब में। नहीं देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये जो वर्ल्ड शेप कांग्रेस है और कांग्रेस एंड एक्सपो, ये कहाँ पे हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में, ठीक है, एशिया ऑन ए प्लेट इसका ये था थीम, और जो मैं बताया हूँ यहाँ पे अभी वो अलग चीज़ है। ये क्या है? ये पहला एडिशन है वर्ल्ड हेरिटेज क्विजिन समिट और फूड फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अमृतसर, पंजाब में, लेकिन जो वर्ल्ड शेप कांग्रेस हुआ है वो मलेशिया में हुआ है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं कन्फ्यूज हो गया था इसलिए मैंने चेक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि किस राज्य सरकार ने अभी साइन किया है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट सियोल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के साथ? तो किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, दोनों जो सिटीज़ हैं वो आपस में एक्सपर्टीज को आपस में आदान प्रदान करेंगी। नेक्स्ट है इसमें विजया क्या है? ये इंडिजिनसली बिल्ट है पेट्रोल विजल है, ये पेट्रोल विजल है, मतलब कि जो निगरानी करता है, पेट्रोलिंग करता है जो, और ये किसने बनाया है? आईसीजी ने बनाया है, और कहाँ पे बनाया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। बेसिक बात ये क्या है? ये ऑयल स्पिल को चेक करेगा, उसलिए बनाया गया विजय, ठीक है, विजय जरूर याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडिया का पहला अंडरग्राउंड रोबोटिक ड्रोन, इसका नाम क्या है? आई रो टूना,
ठीक है, आई रो टूना ये लॉन्च किया गया है और हैंडओवर कर दिया गया है कोची बेस्ड डीआरडीओ लैब, और इसका नाम क्या है, नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी, इतना ही बस याद रखिए। देखिए पूछ सकते हैं आपसे नाम, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का पहला अंडरग्राउंड रोबोटिक ड्रोन का नाम क्या है, आई रो टूना। फिर नेक्स्ट है इसमें कि किस राज्य सरकार ने अभी पहली लायन सफारी कहाँ पे कर रही है, तो ये राजस्थान ने किया है। राजस्थान की पहली जो लायन सफारी है वो कहाँ पे की गई है, नहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, ठीक है, जो कि जयपुर से करीबन 12 किलोमीटर है। थोड़ा सा गला खराब है मेरा वीडियो बना बना के, इसलिए उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अब कुछ लोगों ने बोला है कि थर्ड वाला एक बार कंप्लीट तो कर ही दूँ, ये वाला तो कर ही दे रहा हूँ अभी, बाकी रात में मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटी के लिए बना दूँ वीडियो, वरना मैं कुछ पीडीएफ बना के जरूर दे दूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वीडियो भी बना के दे दूंगा, कई बार प्रेशर ज़्यादा आ जाता है इसलिए हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट है इसमें कि साइंटिस्ट जो हैं आई इन मास के, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने बनाया है इंडिया का पहला इंडिजिनस मेडिकल किट, जो कि क्या कर सकती है, जो अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर से किसी ने अटैक कर दिया या कोई रेडियो एक्टिव से लीकेज हो गया, तो उससे बहुत ही जल्दी जो मतलब फर्स्ट एड वाला है, कोई इंजरी है या फिर कोई चोट लग गई उसको बहुत जल्दी ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी मेडिकल किट तैयार की है किसने, जो INMAS के साइंटिस्ट हैं उन्होंने। अब देखिए इस किट में क्या है, इस किट में EDTA इंजेक्शन है, और ये बेसिकली जो है जो हमारे सैनिक हैं बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो लो स्केल वॉरफेयर की कई बार बात करते हैं ये, उसके लिए, ठीक है। तो इनमास का क्या मतलब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का मनाते हैं, 15 सितंबर को मनाते हैं, 2018 की थीम थी डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन सॉल्यूशंस फॉर अ चेंजिंग चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेशनल इंजीनियर डे मनाते हैं 15 सितंबर को, इस बार की थीम क्या थी, इंजीनियरिंग चैलेंजेस फॉर नॉलेज एरा। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडिया अपना पहला ग्लोबल टूरिज्म मार्ट, ये कहाँ पे आपका आयोजित किया गया है, विज्ञान भवन दिल्ली में, और ये जो है किसके मतलब पैरेलल है, ये लगभग ITB बर्लिन के, ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म ब्रेस बर्लिन के, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टूरिज्म ट्रेड फेयर है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट टूरिज्म ट्रेड फेयर है उसी की तर्ज में इंडिया ने अपना एक ग्लोबल टूरिज्म मार्ट किया है, कहाँ पे, विज्ञान भवन दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है इसमें गैनपा ट्राओ अंडालका 83, और इनकी डेथ हो गई, किस चीज़ से रिलेटेड थे, ये एशियन गेम के चैंपियन रेसलर थे। नेक्स्ट है इसमें इसरो के चेयरमैन इस समय कौन है, डॉक्टर के सिवन, याद रखिएगा। इन्होंने एक एस बैंड का पोलेरीमीटरी डॉपलर वेदर रडार ये स्टार्ट किया है, कहाँ से, श्रीहरिकोटा, सॉरी ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है, ये 7वां रडार है। देखिए बेसिक बात यहाँ पे क्या याद रखनी कि एस बैंड में है ये, है एस बैंड वाला डॉपलर किया है, यही पूछ सकते हैं कि कौन से बैंड वाला किया है, और ये क्या करेगा, वेदर सिस्टम जो होंगे 500 किलोमीटर के, और प्लस अगर वार्निंग देनी है कोई ऐसा वेदर में चेंजेस आ गए उनको हेल्प करेगा ये। देखिए नेक्स्ट है इसमें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप जो हुआ था, सैफ कप जो होता है, उसका 12वां एडिशन हुआ था मेन्स वाले का, ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था ढाका में बंगबंधु स्टेडियम में, मालदीव्स ने इंडिया को हरा के ये मालदीव्स का दूसरा जीत लिया, ठीक है, मतलब मालदीव्स ने ये फुटबॉल जो है कप जीत लिया है, सैफ कप, किसको हराया था, इंडिया को हराया था, मालदीव ने दूसरी बार जीता है ये, बस इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सैफ सुजुकी कप है ये आपका फुटबॉल वाला, बांग्लादेश में हुआ था ये, और मालदीव, देखिए मालदीव ने जीता है किसको हरा के, इंडिया को हरा के, और इसमें टॉप स्कोरर थे इंडिया के मनवीर सिंह, फेयर प्ले अवार्ड मिला है भूटान को, बस इतना याद रखिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें करंट अफेयर है, केरला गवर्नमेंट ने 2 गोल्ड अवार्ड जीते हैं, कहाँ पे, एक PATA करके है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के अवार्ड, उसमें 2 गोल्ड मिले इनको, 2 गोल्ड अवार्ड मिले हैं, ठीक है। पहला अवार्ड मिला है येल्ला केरला के लिए, और दूसरा जो है वो इनोवेटिव एक पोस्टर बनाया था इन लोगों ने, इसके लिए मिला है। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है क्या, नोवासर और ये S14 अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, जो कि UK के हैं, कहाँ से किया गया है, आंध्र प्रदेश से किया गया है, और जो इसरो की कॉमर्शियल विंग है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, उसने ये किया है पूरा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि
ये इसरो की PSLV की 44th फ्लाइट थी, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें सवाई सिंह शेखावत, जयपुर बेस्ड पोइट हैं, इनको मिला है मीरा पुरस्कार। ठीक है, मीरा पुरस्कार कौन देता है? राजस्थान साहित्य अकेडमी, और इनके हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। क्या नाम है? सवाई सिंह शेखावत, जयपुर के हैं ये। ठीक है, मीरा पुरस्कार याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है कि एक सत्यरूप सिद्धांत और मौसमी खटुआ, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एशिया की जो हाईएस्ट वोल्केनिक पीक है माउंट डमावंड ईरान, उस पे मतलब क्लाइंब कर लिया है, उस पे अब चढ़ गए, फतेह हासिल कर ली, ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें जो माउंट तमावादे किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सल्फर डिस्चार्ज होता है यहाँ पे पीक से। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सात, अगर आप देखें हर कॉन्टिनेंट की जो वॉल्केनिक पीक हैं वो इस मैप में बताई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे अंटार्कटिका की है ये सिडले, और जो ये है आपकी एशिया की है आपकी माउंट डमावंड जिसमें इन्होंने फतेह हासिल की है, अफ्रीका की है किलिमंजारो, और फिर ये ओरिजाबा है नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की ओजोस डेल सलादो, और ये आपकी यूरोप की है एल्ब्रस। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, एक बार थोड़ा सा याद रखिए, कई बार अगर मान लीजिए मैच द फॉलोइंग आ सकता है तो इसमें आप बता सकते हैं। यहाँ पे ओजोस डेल सलादो, ये पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो पीक है ये। ठीक है, साउथ अमेरिका में है ये, एंडीज रेंज में है ये, और फिर अफ्रीका की किलिमंजारो है, यूरोप के एल्ब्रज है, और नॉर्थ अमेरिका की ओरिजाबा करके है ये, एशिया की है डमावंड, ओशनिया की है ये माउंट ग्लुआ करके, और माउंट सिडले है अंटार्कटिका की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक ये फेस्टिवल ऑफ टूरिज्म बना रहे हैं, पर्यटन पर्व 2018, और ये कहाँ पे इसके लिए ये किया गया स्टार्ट? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इसमें इंडिया की पहली एक्सक्लूसिव सर्टिफाइड डॉग पार्क, कुत्तों के लिए पार्क आया है सबसे पहले कहाँ पे? ये इंडिया का पहला हैदराबाद में। ठीक है, तो भारत में पहला कुत्तों के लिए पार्क आया हैदराबाद में। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड एडिशन जो है आपका माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज, जो कि नेपाल चाइना की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? चेंगडू में हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखिए जो बिम्स्टेक की एक्सरसाइज है मिलेक्स, इसमें पहले नेपाल ने आने से मना कर दिया था, फिर ये थाईलैंड की भी आर्मी ने नहीं भेजा है अपना, और ट्रुप्स नहीं भेजे हैं, फॉर एक ऐसे ही ऑब्जर्वर भेजे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की जो है एक्सरसाइज मिलेक्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए मनाते हैं हर साल 16 सितंबर को। 2018 की थीम क्या थी? कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पहला इंटरनेशनल मैकोम म्यूजिकल, ये कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, मैकोम क्या होता है? एक म्यूजिक से रिलेटेड ये सिस्टम है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैकोम कहाँ पे हुआ था? ये उज्बेकिस्तान में होता है। नेक्स्ट है इसमें ये इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखिए, काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल, इसके जो ऑथर हैं वो विनीत वाजपेयी हैं। नेक्स्ट है इसमें इंडिया की रैंक है तीसरी ग्लोबली, अगर आप देखेंगे फैमिली ओन्ड बिजनेस के हिसाब से, कि मतलब एक परिवार आधारित जो बिजनेस के हिसाब से इंडिया थर्ड है। ठीक है, एक क्रेडिट स्विस फैमिली 2018 की एक रिपोर्ट है यहाँ पे, इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया इसमें थर्ड नंबर पे है। 111 कंपनी है जिनकी मार्केट कैपिटल करीबन $839 बिलियन है, और इसमें बताया गया ये कि इंडिया की जो फैमिली ओन बिजनेस है, मतलब एक ही फैमिली जो बिजनेस को पूरा करके रखती है, जैसे इंडिया में कई सारी हैं, अदानी फैमिलीज हो गई पूरी, रिलायंस फैमिली हो गई, टाटा फैमिली हो गई, कई सारे हैं ऐसे, इसमें जो है ये 13.9 जो है इनका शेयर है, एनुअल ग्लोबल शेयर है इनका, और ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है? चाइना में है, फिर US में, इंडिया थर्ड नंबर पे, मतलब इंडिया के अलावा भी जो बाकी देश हैं जैसे US और चाइना, वहाँ पे भी ऐसे परिवारवाद ये सब चीज़ें होता है। परिवारवाद वैसे हर चीज़ों में होता है, कोई भी पार्टी चाहे जितना भी क्लेम कर ले, सब लोग करते ही हैं। ठीक है, तो ये है, वो बिजनेस में भी होता है। नेक्स्ट है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये किस देश ने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है? ये क्वेश्चन आ सकता है। जर्मनी ने ये स्टार्ट की, और ये सिर्फ स्टीम और वाटर को एमिट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको बनाया किसने है? अल्स्टॉम, जो कि फ्रेंच मेकर है, और ये इंपॉर्टेंट है ये।
ये कॉस्टली होगी डिजिटल पावर ट्रेन से, लेकिन इको फ्रेंडली होगी, और इसमें जो एक्सेस एनर्जी होगी वो लिथियम आयन की बैटरीज में होगी। नेक्स्ट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है एक ये विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज करके इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट लेंडर बनाएंगे ये। तो इसमें कौन कौन मर्ज हो रहा है? विजया, देना और बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है जल्दी से बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है, इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि स्टार रेटिंग सिस्टम इंडस्ट्रीज के लिए, किस चीज़ के लिए? इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए। 1 से लेकर 5 स्टार तक यहाँ पर दिए जाएंगे यहाँ पर, और इसमें अगर आप देखेंगे 20 इंडस्ट्रियल प्लांट इनिशियली कवर होंगे और इवेंचुअली 136 प्लांट तक चला जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब ये क्या है, इन्होंने ये ज्वाइन किया है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, इसके बोर्ड में आ गए। नेक्स्ट है, इसमें इंडिया का पहला स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट, इसको होम मिनिस्टर ने किया था, कहाँ पे किया था? ये इंडो पाक बॉर्डर पे, और ये चालू कहाँ से हुआ? प्लोरा करके एक जगह है जम्मू में, बीएसएफ हेडक्वार्टर वहाँ पे, वहाँ से चालू किया। स्मार्ट फेंसिंग का मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फेंसिंग कर रहे हैं, इसमें बड़े सारे लोगों को दिक्कत भी हो गई थी, हालाँकि ये बड़ा अच्छा कदम है ये। नेक्स्ट है, इसमें कमलेश नीलकंठ व्यास, ठीक है, यानी कि के एन व्यास को बनाया गया है नया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये दोनों इन्हीं के, अब इनका ये चेयरमैन बना दिया गया है के एन व्यास को। डीएई जो होता है जनरली डायरेक्टली ये पीएम के अंडर में होता है। नेक्स्ट है, इसमें अन्ना राजम मल्होत्रा, जो कि भारत की पहली आईएएस महिला ऑफिसर थी, उनकी डेथ हो गई, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अन्ना राजा मल्होत्रा का नाम याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर। नेक्स्ट है, इसमें इंडिया ने एक लोन यहाँ पे किया है, लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ, कितना मिलेगा? $74 मिलियन मिलेगा उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो है कि ट्रेनिंग आईटीआई में इसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, आईटीआई जो है उत्तराखंड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्किल्ड वर्कर आ सके। नेक्स्ट है, इसमें ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग का 5वां एडिशन हुआ है, कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, इसरो ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर, और ये कहाँ पे है? ये एनआईटी अगरतला से किया है ये, और एनआईटी अगरतला में किया है मतलब। और देखिए, इसरो ने क्या किया है, इसरो अभी अगर आप देखें कि स्पेस ट्रॉनिक्स चल रहा था, तो उसमें बेंगलुरु से ये वायर रिमोट यहाँ पे किया है एनआईटी अगरतला में, एक अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वरुण धवन को और अनुष्का शर्मा को बनाया गया है स्किल इंडिया कैंपेन को प्रमोट और इंडोर्स करने के लिए। अब इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं करूँगा इस बार। नेक्स्ट है, इसमें वर्ल्ड ओजोन डे 2018 को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ड्राफ्ट इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान स्टार्ट किया, और उसके लिए क्या है, एक बुकलेट भी लॉन्च की गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया सक्सेस स्टोरी। तो इंडिया ऐसा देश का, पूरे दुनिया का ऐसा पहला कंट्री बन गया जहाँ पे ऐसा ये ड्राफ्ट इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ये लॉन्च हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 2017-18 से लेकर 20 सालों के लिए किया गया, 2037-38 तक, और इंडिया ऐसा पहला देश बना है कि जहाँ पे ये कूलिंग जो है डिफरेंस सेक्टर में क्या क्या होगी उसके लिए बाकायदा R&D की जाएगी, और यहाँ पे पूरा किस किस में क्या क्या डिमांड है, और थर्मल कंफर्ट जो है सभी जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उन्होंने जॉइंटली एक प्रोडक्ट ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्म सेक्टर में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस लाने के लिए, और इसको जो है अगर आप फंडिंग देखें कौन कर रहा है, $33.5 मिलियन की फंडिंग मिलेगी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ पे, किस किस स्टेट में ये किया जाएगा, ये आपका 5 स्टेट है इंडिया के, वहाँ पे किया जाएगा ये, जैसे मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट, और इसमें मतलब वही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी कंजर्व भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट,
स्वयं सिद्धा, ये किसका इनिशिएटिव है ये पूछ सकते हैं। तो ये किसका है, ये वेस्ट बंगाल का है, और ये किस चीज़ के लिए है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। वैसे ज़रूरत भी थी वेस्ट बंगाल को, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वेस्ट बंगाल नंबर वन पे है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे चालू किया गया है स्वयं सिद्धा वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है इसमें ऑनलाइन ई सहज पोर्टल। इसमें होगा क्या, इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाएगा बिजनेसेस को, तो ठीक है। ये ऑनलाइन सहज पोर्टल है, ये किस चीज़ के लिए है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगा इसमें बिजनेस को, और इसके लिए नोडल अथॉरिटी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इसमें है कि स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 वाला मिला है अनुष्का शर्मा को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी एसीएफ में भी आया था, लेकिन इसमें 2017 वाला पूछा गया था, यहाँ पे 2018 की बात हो रही है। फिर इसमें नेक्स्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे कि टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर पावर जनरेशन की, इंडिया की, वो 25 गीगावाट से ज़्यादा हो चुकी है, और इंडिया में टॉप जो सोलर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इस समय कर्नाटका हो चुका है। न्यूक्लियर में आप जानते हैं तमिलनाडु है, जो विंड एनर्जी में भी तमिलनाडु है, ठीक है। थर्मल में महाराष्ट्र है, और टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी के इंस्टॉलेशन में कौन सा स्टेट है आप बताइए। ये सब मैं पूरा एक एनर्जी का वीडियो बना चुका हूँ। नेक्स्ट है इसमें एविया इंद्र करके है एक एक्सरसाइज, इंडियन और रशियन एयरफोर्स के बीच में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी, लिपस्टिक करके हुई थी रशिया में, सॉरी इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शायद ये नहीं होगा, लिपिट्स करके होगा कुछ, वो लिपस्टिक नहीं है, ये लिपिट्स है करके। नेक्स्ट है इसमें इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो आईएई है उसके अंडर में चार और रिएक्टर अपने ये इंडिया जो है वो कर दिए हैं इसमें, और इसी के साथ 26 जो इंडिया के न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं वो आईएईए की निगरानी में आ गए हैं, ठीक है। और ये चार कौन कौन से हैं, ये वो वाले हैं जो रशिया के साथ बनाए हमने, इसमें से दो प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर हैं और दो हैं आपके हैवी रिएक्टर। फिर इसमें नेक्स्ट है इसमें आपका कि एक उड़ीसा में एयरपोर्ट बन रहा है झार सुगुदा, इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा जाएगा वीर सुरेंद्र साई के नाम पे। फिर देखिए नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, INSV तारिणी की जो ऑल वुमेन क्रू थी उसने एक प्राइज जीता है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये एक्चुअली हाईएस्ट प्राइज होता है, और एक किस चीज़ के लिए दिया जाता है कि अगर आपने कोई एडवेंचर किया है लैंड सी और एयर में, तो ये वाला प्राइज मिला है जो हमारी ऑल वुमेन क्रू थी जिसने पूरी दुनिया को सरकम नेविगेट किया है, और वो जो एक प्रोजेक्ट था नाविक सागर परिक्रमा 2017 से चालू हुई थी, और ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है ये, 8 महीने लगे इन जो महिलाएं इनको पूरी दुनिया को घूमने में करीबन और सरकम नेविगेशन करने में, ऑल वुमेन क्रू थी है, और ये टीम का नाम भी लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, कैप्टन का जरूर याद रखिएगा एक बार, कमांडर वर्तिका जोशी, ठीक है। उसके बाद और भी हैं कई सारे, पी स्वाति हैं, प्रतिभा जानमाल हैं, विजया देवी जी हैं, पायल गुप्ता हैं, और बी ऐश्वर्या। फिर उसके बाद अगर आप ये देखिए पाँच इसकी स्टेजेस थी, और ये कहाँ कहाँ पे इसमें स्टॉप ओवर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और फॉकलैंड में, और फिर साउथ अफ्रीका में। फिर ये हैं एक डोला गोविंदा प्रधान, इनकी डेथ हो गई, उड़ीसा के थे ये। फिर नेक्स्ट है इसमें कलराज जो मिश्रा हैं, जो पहले यूनियन मिनिस्टर थे, अब उनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ, किसका चेयरमैन बनाया गया है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस का चेयरमैन बनाया गया है कलराज मिश्रा को। उसके अलावा अगर आप देखें चिंतामणि मौलविया को बनाया गया है नया चेयरमैन कोल और स्टील पैनल का, और बाकी जो है वो सेम ही रहेगा। फाइनेंस कमेटी जो है वो वीरप्पा मोइली ही हेड करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स जो कमेटी है उसको शशि थरूर ही हेड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें अनिंदो मजूमदार, ठीक है, इनको क्या बनाया गया है, नया सेक्रेटरी बनाया गया है टू CVC, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, और करंट CVC कौन है ये जरूर आप देख लीजिएगा, KV चौधरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो ये हैं रघुपति सिंघानिया, चेयरमैन और MD हैं JK Tyre के, इनको एक अवार्ड मिला है मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल, ये हाईएस्ट ऑनर है मैक्सिको का, ये इंपॉर्टेंट है। किसको मिला, ये रघुपति सिंघानिया को, JK Tyre के जो हैं चेयरमैन। नेक्स्ट है इसमें IPPB जो कि जिसने अभी पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया था, याद रखिएगा ATM इशू नहीं करेंगे, QR कोड करेंगे, ये थोड़ा सा अलग सा फैक्ट था, इसे ज़रूर याद रखिएगा, और बाकी पेमेंट बैंक करती हैं, ठीक है, पेमेंट जो आपका ATM और डेबिट, लेकिन IPPB नहीं करेगा। इसने टाई अप किया है किसके साथ, बजाज अलायंस के साथ, और किस चीज़ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस
सॉल्यूशन देने के लिए। तो ये जो अगर मान लीजिए ये पूछा है कि पहली ऐसी कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ आईपीपीबी ने टाइड अप किया है, ये है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है इसमें एक प्रहार मिसाइल है, ये क्या है, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, और इसको लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के कॉम्प्लेक्स से, चांदीपुर से, ठीक है। स्ट्राइक रेंज है इसकी 150 किलोमीटर की, कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। उसके बाद है ये कोंडापल्ली कोटेश्वरम्मा, ये रिवोल्यूशनरी लीडर हैं ये, इनके अगर आप देखें यहाँ पे थे, मतलब ये कम्युनिस्ट लीडर थे, तो इनकी डेथ हो गई। ये आप याद रखिएगा इनका कि कोंडापल्ली कोटेश्वरम्मा क्या थे, लीडर थे, और इनकी फिर ये जो विडो, अच्छा ये सॉरी ये मतलब महिला थी, ये विडो किसकी थी, कोंडापल्ली सीतारमैया, और इनका नाम क्या है, कोंडापल्ली कोटेश्वरम्मा। थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूज़न है क्योंकि अब एग्जैक्टली इससे पता ही नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है। तो इनकी जो कोंडापल्ली कोटेश्वरम्मा है, इनकी डेथ हो गई है, ये विडो थी किसकी, कोंडापल्ली सीतारमैया की, ठीक है। और इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखें, एक इनकी ऑटोबायोग्राफी भी थी, निरंजना वराधी, तो ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। फ्रीडम फाइटर थे ये एक्चुअली, कोंडापल्ली सीतारमैया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें है इंडिया का पहला ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड जो नेशनल डेटाबेस है ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, मतलब जो लोग बार बार ये सब करते हैं रेप वगैरह इन सब के लिए, उसको लॉन्च किया है। कि इसमें कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया, और इसी के साथ इंडिया नवा ऐसा कंट्री बन गया जो ऐसा डेटाबेस मेंटेन करता है। ये इनिशिएटिव किसका है, नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, और इसको मेंटेन कौन करेगा, MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो आता है NCRB। फिर नेक्स्ट है इसमें IAF ने ये प्रपोज किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि आप अपने यहाँ पे एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करिए अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी एक पॉलिसी भी आई थी इंडियन गवर्नमेंट की, आप देख लीजिएगा, मैंने उस पर पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। यार ये मेरे से बन नहीं पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गला ख़राब है और बार बार खांसी आ जा रही है, बार बार रोकना पड़ रहा है। इसके बाद मैं अभी के देखिए, ये थोड़े अर्जेंसी है इसलिए अजीत इसको कर दे रहा है, क्योंकि अगर आज नहीं मिला तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगा। PDF मैं ऑलरेडी इसकी दे चुका हूँ, इसके बाद अजीत से कंटिन्यू करवा के मैं यहाँ पे जोड़ के आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे माफ़ करिएगा। और ये इतना लंबा वीडियो बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गला बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया है आज, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार ऐसे खांसी आ जा रही है इसलिए कर रहा हूँ सब। इसके बाद आपको अजीत बताएगा, ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया है उसको कि कैसे कैसे करना है, आपको मिल जाएगा पूरा। हम लोग इंडिया और श्रीलंका ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है, यहाँ पर समझौता हुआ है। दाम्बुला यहाँ जो श्रीलंका में पड़ता है सेंट्रल प्रोविंस, वहां पर 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस बनेगा, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में हमारे इंडिया में कोल्ड स्टोरेज बोल सकते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, इसके लिए वित्तीय सहायता दी है 30 करोड़ श्रीलंकन रुपयों की। इसके सहायता से इसके ग्रांट के साथ यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा और फ्रूट और वेजिटेबल को वहां पर लंबे समय तक रखा जा सकेगा, उनके लॉस को रोका जा सकेगा। अगला है भारत का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कालपक्कम तमिलनाडु में शुरू किया जा सकेगा 2019 तक, ऐसा बताया जा रहा है। इस रिएक्टर को डेवलप किया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने, IGCAR ने। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम, इसको भाविनी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है जो DAE के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ज्यादा से ज्यादा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप करने के लिए अपनी कंट्री में। अगला है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर MOU साइन हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ। किसका हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है। गृह मंत्रालय का इसरो के साथ समझौता हुआ है, गृह मंत्रालय अपना एक हाई एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम डेवलप करना चाहता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। अब जो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप याद रखेंगे, इसका कोई हिंदी मीनिंग आप ना निकालें तो बेहतर। एक हाई एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम यहां पर डेवलप करना चाहता है गृह मंत्रालय, और इसमें सहयोग लेगा इसरो का। तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, इसरो की टेक्निकल सहायता से इसको सेटअप कर लेंगे और फिर बाद में जो होम अफेयर्स के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इसको सुपरवाइज करेंगे, इसमें क्या क्या काम देखेंगे, ये वाली चीज है इसमें। अगला यहां पर कि थर्ड एडिशन जो है
इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का महाबिज जिसको कहा जा रहा है 2018 पॉपुलरली, ये कहाँ पर होगा? ये होगा दुबई में, यूएई की कैपिटल दुबई में होगा, 12 और 13 अक्टूबर को, यानी हो चुका है। महाबिज को कंसीडर किया जा रहा है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में महाराष्ट्र स्टेट और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच में। तो महाराष्ट्र और ये जीसीसी रीजन जो है ये आपस में व्यापार के समझौते करेंगे, व्यापार की संभावनाओं को देखेंगे, ये कुल मिलाकर के बात है इसमें। अब यहाँ पर सर ने पिक लगाई हुई है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर कंट्रीज की। तो कौन कौन सी कंट्रीज आप यहाँ पर देख सकते हैं? कुवैत है, बहराइन है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद में है, सऊदी अरब में। ट्रान दाई कॉन्ग नाम के जो प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट थे ये वियतनाम के, इनका निधन हो गया था हनोई में, हनोई कैपिटल है वियतनाम की, तो आप इसमें याद रख सकते हैं। ऑबिचुरी, इंडिया ने यूएन की बिल्डिंग पर सोलर पैनल्स लगवाने के लिए रूफ पर दिए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं $1 मिलियन यहाँ पर, और सबसे पहले कंट्रीब्यूट किए इंडिया ने। भारत की तरफ से यूएन के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, सैयद अकबरुद्दीन, उनके अनुसार इंडिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया है। जो सेक्रेटरी जनरल है वहाँ के एंटोनियो गुटेरेस की कॉल की, यानी कि क्लाइमेट एक्शन पर जो कॉल है उसको सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया इंडिया ने। तो आप देखेंगे सबसे पहले कंट्रीब्यूट किया है वहाँ की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए। इंडिया ने यूएन सेक्रेटरीट को यह भी सलाह दी है कि वहाँ की जो बिल्डिंग है वहाँ पर पूरी तरीके से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कामकाज किया जाए, जिससे हम लोग बढ़ावा दे सकें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को। इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया था कि वो शपथ लेते हैं कि 2022 तक सारे के सारे सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे आइकॉनिक प्लेसेस हैं जैसे कि ताजमहल, यहाँ पर 500 मीटर के दायरे में बैन किया जाएगा प्लास्टिक पोल्यूशन को, और जितने भी लिटर होते हैं, कचरा होता है, उनको ऐसी प्रैक्टिसेस को बैन किया जाएगा पूरी तरीके से ताज डिक्लेरेशन के थ्रू। ताज डिक्लेरेशन हुआ था हमारे यहाँ पर, कब हुआ था ये कमेंट्स में लिख करके बताइए। प्रेसिडेंट जी शामिल हुए थे सेंटेनरी सेलिब्रेशन में, यानी कि 100वां वर्ष मनाया गया था किसका? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का, नई दिल्ली में। हालांकि यहाँ पर मनाया गया दिल्ली में, लेकिन ये दिल्ली में नहीं है, ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आपकी कहाँ पर है? चेन्नई में है। और ये कुल मिलाकर के इसका यही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी लिटरेसी को प्रमोट किया जाए नॉन हिंदी नेटिव स्पीकर्स में, जैसे कि साउथ इंडिया के निवासी हैं, नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, उनमें हिंदी के प्रचार को प्रमोट किया जाए। 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसको लोकेशन है चेन्नई, तमिलनाडु में। मयूरी ने यहाँ पर इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है वुमेन्स जूनियर 500 मीटर रेस में, और ये फिफ्थ एडिशन था ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट का, जो कि दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली में पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ था और मयूरी ने यहाँ पर गोल्ड दिलाया हमको। ये साइकिलिंग का इवेंट हो कहाँ पर रहा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, CFI के द्वारा, और 12 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी। ये अक्टूबर में हुआ था, अब खत्म हो चुका है। इंडिया की पहली साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी जो है साइक्लोट्रॉन 30, ये ऑपरेशनल हो गई कोलकाता में, और ये भी काम करेगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत, और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इससे हेल्प मिलेगी। अब साइक्लोट्रॉन क्या काम करेगा? ये मेनली काम करेगा 30 यहाँ पर MeV की बीम यहाँ पर यूज की जाएगी रेडियो आइसोटॉप बनाने के लिए, और मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोसिस में हेल्प मिल सकेगी कैंसर पेशेंट के लिए। ये जो कोलकाता में साइक्लोट्रॉन 30 बना है, या फिर साइक्लोन 30 बना है, इसमें ये पहली ऐसी फैसिलिटी है पूरी कंट्री में जो कि जर्मेनियम 68 का आइसोटॉप यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएगी, और ये ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काम आएगा, और साथ ही साथ ये पैलेडियम 103 के आइसोटॉप्स भी प्रिपेयर करेगी, और जो कि प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आएगा। सबसे ज्यादा वुमेन्स में हमारी कंट्री में देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर, और मेल्स में देखा जाता है प्रोस्टेट कैंसर, और कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा है, 60 से 90 पेशेंट को डील किया जा सकता है इस साइक्लो 30 के द्वारा। और साथ ही साथ आयोडीन 123 आइसोटॉप्स बनाए जा सकते हैं जो हेल्प कर सकते हैं थायराइड कैंसर के डिटेक्शन में। अच्छा, आप कमेंट्स में एक फैक्चुअल क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए तो हमें पता लगेगा आपको समझ में आया फिर नहीं। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में क्या अंतर होता है? आइसोटॉप्स आइसोबार्स में अंतर क्या होता है कमेंट्स में लिख करके बताइए। सऊदी अरब जो होगा ये तीसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा 50 बिलियन की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC में। ये ध्यान रखेंगे कौन शामिल हुआ था आपसे पूछ सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में शामिल हुआ था सऊदी अरब। असामिया भाषा की फिल्म विलेज रॉकस्टार को यहाँ पर चुन लिया गया है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी की 91वें एकेडमी अवार्ड्स में ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भारत की तरफ से। आप जानते हैं इसमें स्पेशल कैटेगरी होती है बेस्ट फॉरेन फिल्म की, उसके लिए हर देश अपनी अपनी आधिकारिक एंट्री भेजते हैं। पिछले साल जैसे न्यूटन को भेजा गया था, इस बार भेजा गया है हमारी विलेज रॉकस्टार को। विलेज रॉकस्टार को यहाँ पर
हमारे 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था, ध्यान रखेंगे इसको। इसकी डायरेक्टर हैं रीमा दास, और इनको ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में भी स्पेशल मेंशन मिले थे। भानिता दास जो इसकी एक्ट्रेस हैं विलेज रॉक स्टार में, उनको भी ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था। तो काफी जगह से जीत कर आई है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। अच्छा, 90वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी, जल्दी से कमेंट्स पे लिख करके बताइए। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप मेरे कोई भी वीडियो देखते हैं तो, मैंने कई बार आपको बताया है। झारखंड की सरकार ने MOU साइन किया, समझौता किया किसके साथ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, जिससे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके लोगों को, जो सेंट्रल की फ्लैगशिप प्रोग्राम है आयुष्मान भारत योजना के तहत। इस समझौते के माध्यम से करीब 80% लोगों को कैटर कर सकेंगे स्टेट में, ऐसा बताया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसे देगी, 1 लाख रुपए देगी ट्रीटमेंट के लिए। एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, झारखंड स्टेट हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से, मतलब इससे ड्रॉ करेंगे फंड। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत झारखंड में 25 लाख फैमिलीज के इंश्योरेंस में सेंटर और स्टेट का योगदान रहने वाला है, 60-40 का यहाँ पर। और सेंटर मतलब झारखंड ने यह भी बोला है कि इसके अलावा 32 लाख जो फैमिली बच जाएंगी उनको भी झारखंड के फाइनेंशियल सिस्टम से उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, कोई भी यहाँ पर छूटेगा नहीं, ये कहने का मतलब है। अभी तक आयुष्मान भारत में 1350 ऐसी डिसीजेस को यहाँ पर कवर किए जाने की बात कही गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ABNHPM की शुरुआत कहाँ से की थी, रांची से। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज यही हो गई, यही डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आयुष्मान भारत के बारे में चीज सबको रट चुकी है। 5 लाख रुपए का आपको बीमा मिलने वाला है एनुअली पर फैमिली को। 50 करोड़ से 55 करोड़ लोगों को यहाँ पर कवर किया जाने वाला है, और सबसे बड़ी पूरे विश्व की हेल्थ स्कीम ये बताई जा रही है। और डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, मतलब किनको लाभ मिलेगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था हमारा आखिरी सेंसस 2011 का, उसको आधार बना करके यहाँ पर फैमिलीज को लाभ देने के लिए चयनित किया जाएगा। इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात ये बताई जा रही है कि इसको कैशलेस और पेपरलेस रखना चाहते हैं, कम से कम डॉक्यूमेंट में और सर्विस पॉइंट में आपको आपका जो है क्लेम है वो दिया जा सके स्कीम के तहत। वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 2018 में इंडिया में होगा, करीब 10 वर्षों के बाद इंडिया को मौका मिला है इसको होस्ट करने का। वर्ल्ड बैंक ने 5 ईयर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF को अप्रूवल मिल गया है, जिसके तहत दिल्ली के हाई सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए जा सकेंगे। इसका एक समग्र लक्ष्य बता रहे हैं कि इंडिया का जो ट्रांजिशन हो रहा है लोगों का लो मिडिल इनकम ग्रुप से लेकर के हाई मिडिल तक, तो उसको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। मतलब लोगों की आय बढ़ाना है, उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, जॉब क्रिएशन करना है, ह्यूमन कैपिटल को ऑगमेंट करना है। कल्पना लाजमी का निधन हो गया था, रिनोड फिल्म मेकर थी, इनका निधन हो गया था, बस इतना ही आप ध्यान रखेंगे। वैसे ऑब्चुरीज इनकी आजकल नहीं पूछी जा रही है, एक्ट्रेस वगैरह एक्टर की डायरेक्टर की। इंडिया और इसराइल ने 100वां वर्ष मनाया था बैटल ऑफ हाइफा का, और ग्रैंड फंक्शन हुआ था दिल्ली में, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। इसराइल में भी हुआ था, जयपुर में भी हुआ था, ठीक है। और ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेपाल ने ऐलान किया था कि वो पहले ऐसे कंट्री बन जाएंगे जिन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन को एक डिकेड में लगभग दोगुना कर दिया है। उन्होंने कुछ यहाँ पर डेटा शो किया था, 2009 में टाइगर की संख्या 121 थी इनके अनुसार, और अभी बता रहे 2018-2019 में 235 वाइल्ड टाइगर्स हैं वहां पर इनके कंट्री में। तो इनका कहना है कि हमने डिकेडल में एक डिकेड में टाइगर की पॉपुलेशन को लगभग दोगुना कर दिया है। अनिल कुमार चौधरी अपॉइंट कर दिए गए थे न्यू चेयरमैन के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। बताइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या एक महारत्न कंपनी है, क्या ये आपकी एक नवरत्न कंपनी है, बताइए कमेंट्स पे लिख करके। नेपाल की सरकार ने एक्ट्रेस जया प्रदा जो है, मतलब पहले हुआ करती थी एक्ट्रेस, इनको गुडविल एम्बेसडर अपना बनाया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगले 4 वर्षों के लिए। 2022 में नेपाल अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है 2 गुने तक, तो इसलिए इनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तमिलनाडु की सरकार ने नील कुरुंजी के संरक्षण के लिए यानी कि स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियानस प्लांट के लिए, जो कि 12 वर्षों में एक बार उगते हुए दिखाई देते हैं, इनके संरक्षण के लिए एक स्कीम शुरू की है। नील कुरुंजी बहुत दुर्लभ प्रजाति है प्लांट्स की, हमने एक बार आपको शो किया था, इनके फूल काफी अच्छे लगते हैं देखने में, पिंक और येलो सॉरी पिंक और ब्लू की तरफ ही जाते हुए काफी खूबसूरत फूल होते हैं, 12 वर्ष में एक बार ही खिलते हैं। कहाँ कहाँ पर खिलते हैं, थोड़े से ये आपके वेस्टर्न घाट्स के साइड खिलते हैं, नीलगिरी हिल्स के पास खिलते हैं, और थोड़े से यहाँ पर तमिलनाडु में भी खिल जाते हैं। 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, और इनका सीजन करीब मई में आता है एक बार, और एक बार आता है सितंबर में, ठीक है। तो मई में खिल जाते हैं मान लीजिए ईस्टर्न घाट्स में, सितंबर में खिल जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, तो ये अल्टरनेटिवली इस तरह से खिलते हैं। तो इनके लिए तमिलनाडु की सरकार ने स्कीम लॉन्च करी है इनके संरक्षण के लिए, या फिर ऐसे काम करेंगे कि ये लगातार मतलब हर 12 वर्ष में खिलते रहें, एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है,
जो कि ब्रिक्स नेशन का बैंक है, उसने 525 बिलियन डॉलर का यहाँ पर लोन सैंक्शन किया है मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब यहाँ पर 2000 किलोमीटर की सड़कों की क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी और इनको ऑल वेदर सड़क बनाया जाएगा, हाईवेज को, नेशनल हाईवेज को और बाकी रोड को भी। तो मतलब एनडीपी सहयोग लेकर मध्य प्रदेश अपने यहाँ पर सड़कें बनवाएगा, ये आप इसमें याद रख सकते हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह बन गए हैं प्रेसिडेंट मालदीव के, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अपना जारी कर दिया था ईज ऑफ लिविंग का इंडेक्स स्टेट्स के लिए। अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था, आपने देखा था 14 अगस्त को, ये सिटीज के लिए आया था। 111 सिटीज को रैंकिंग दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। पहली रैंकिंग यहाँ पर पुणे को मिली थी, यानी कि मोस्ट लिवेबल सिटी है। आखिरी रैंकिंग रामपुर को मिली थी जो कि यूपी का है, ये ध्यान रखना था आपको। इसके अलावा स्टेट्स की रैंकिंग भी आ गई थी इस बार, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा रहने योग्य है, कहाँ पर लिवेबिलिटी सबसे अच्छी अधिक है, तो इसकी रैंकिंग आई थी। और इसमें टॉप किसने किया था, इसमें टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने। ओडिशा सेकंड पर रहा था, मध्य प्रदेश थर्ड पर रहा था, तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। बस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके तहत जारी किया जाता है, ये अमृत मिशन के तहत जारी करते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तहत जारी करते हैं। ये पूरा असेसमेंट होता है 360 डिग्री पर, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है किसी राज्य की, कितनी संभावनाएं हैं उसमें, क्या क्या थ्रेट्स हैं, और आउटकम बेस्ड अप्रोच पर आधारित है। मतलब ये प्रमोट करता है कुल मिलाकर के स्टेट्स को कि वो लोग अपनी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएं अपने स्टेट में। देखिए सबसे टॉप सिटी पुणे रही थी, आप ध्यान रख लीजिएगा, इसको जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। 111वें नंबर का सिटी यानी कि वर्स्ट सिटी हमने आपको बता दिया रामपुर रहा था। इनको किस तरीके से रैंक किया जा रहा है, 100 पॉइंट स्केल पर 78 बड़े इंडिकेटर्स पर और चार फैक्टर पर। चार फैक्टर कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, 78 इंडिकेटर तो आप याद रख नहीं सकते ना, आपको याद रखने हैं। इंस्टीट्यूशन या गवर्नेंस इसको 25 नंबर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटी कैसी है इसको 25 नंबर, इकोनॉमिक फैक्टर को 5 पॉइंट और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा 45 पॉइंट। अब आप देखेंगे फर्दर इनको ब्रेक कर दिया गया है कि सोशल में कौन है, इंस्टीट्यूशनल में कौन है, इकोनॉमिक में कौन है, फिजिकल में कौन है, ये आपको कभी नहीं ध्यान रखना है, आपको ओवरऑल ध्यान रखना है। ओवरऑल कौन रहा था टॉप पर, पुणे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है 21 सितंबर को, और इस बार इसकी थीम रही थी द राइट टू पीस, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट 70, यानी 70वीं सालगिरह मनाई गई थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, ये आप ध्यान रखेंगे। इस बार कैरोलिना मारिन ने यहाँ पर जीत लिया था वुमेन सिंगल का टाइटल, चाइना बैडमिंटन टाइटल यहाँ पर जीता था, और किसको हराया था, शेन यूफी को हराया था। तो बस कैरोलिना ने क्या जीता था, चाइना ओपन बैडमिंटन का टाइटल फाइनल में, ये आपको याद रखना है। अभी हाल में हैदराबाद लिमिटेड LNT मेट्रो रेल जो है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल ऑपरेशनल नेटवर्क बन गया था दिल्ली के बाद, दिल्ली का सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये पहला ऐसा सबसे बड़ा मेट्रो रेल का नेटवर्क बन गया था जो कि PPP मॉडल पर आधारित है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर आधारित ये सबसे बड़े नेटवर्क वाला मेट्रो सिस्टम है, ये आप याद रखेंगे। इसमें देश में सबसे छोटा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मामले में पूरे विश्व में सबसे बड़ा। केवल महिला फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। इसको हालांकि अनाउंस कर दिया गया था अप्रैल के आसपास, लेकिन हुई ये कब, 21 से 22 सितंबर को, खाली वुमेन फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो वुमेन की बात हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स में, तो जाहिर सी बात है इंडिया का भी यहां पर पार्टिसिपेशन रहा होगा क्योंकि सुषमा स्वराज जी हमारी है फॉरेन मिनिस्टर। लुका मॉड्रिक को यहां पर चुना गया था बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर फीफा फुटबॉल अवार्ड्स लंदन में, फीफा के जो वार्षिक अवार्ड होते हैं उसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला लुका मॉड्रिक को, जो क्रोएशिया के कैप्टन थे। क्रोएशिया रनर अप रहा था आपके फीफा वर्ल्ड कप 2018 में जो कि रशिया में हुआ था। टाइटल किसने जीता था, टाइटल फ्रांस ने जीता था, ये सब हम चीजें देख चुके हैं। तो दो इसमें अवार्ड होते हैं, एक मेन प्लेयर का होता है, एक वुमेन प्लेयर का होता है। तो मेन प्लेयर में किसको मिला, लुका मॉड्रिक को, वुमेन प्लेयर में मिला है मार्टा को। मार्टा को यहां पर 6ठी बार ये अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखेंगे, ऑरलैंडो प्राइड कहते हैं मार्टा को। इंडियन एम्बेसी ने गांधी मार्च जो है अरेंज करवाया था आइकॉनिक पीस पैलेस जो थी हेग में, हेग कहां पर है, नीदरलैंड में, 25 सितंबर को, ठीक है। ये 50वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए महात्मा गांधी की, इसको इंडियन एम्बेसी ने हेग में करवाया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बस नीदरलैंड का कनेक्शन है पुराना महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी के नाम पर वहां की कंट्री में करीब 30 स्ट्रीट्स का नाम उनके नाम पर रखा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने वायु को लॉन्च किया था। वायु एक विंड ऑगमेंटेशन प्योरिफाइंग यूनिट है इसका फुल फॉर्म,
इसको नई दिल्ली में लगाया गया था। ये पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, ये दो तरीके से काम करती है। सबसे पहले तो पॉल्यूशन को ट्रैप करना, एक्टिव पोल्यूटेंट को रिमूव करना, और एक्स्ट्रा एयर जो है रिलीज करना एनवायरमेंट में। तो दो ये चीज़ें काम करती है। एक्स्ट्रा एयर एनवायरमेंट में गई तो थोड़ा सा कंसेंट्रेशन को डाइल्यूट किया, और ऊपर से एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो है उनको ट्रैप भी किया फिल्टर्स के माध्यम से। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बता रहे हैं 1500 रुपये महीना है करीब, और 500 मीटर स्क्वायर के एरिया को ये प्योरीफाई कर सकती है। नेपाल में इंद्र जात्र फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये लोग मनाते हैं इसको रेन सीजन के बाद, अच्छी हार्वेस्ट की कामना करते हैं। यूई ने घोषणा की थी कि इंटरफेथ अलायंस फोरम ये लोग मतलब करेंगे अबू धाबी में 19 और 20 नवंबर को, और ये आप इसमें याद रखेंगे, बस इतना ही अभी याद रखेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जब ये हो जाएगी कॉन्फ्रेंस तब हम देखेंगे इसके बारे में। यूएई ने एक कॉपरेशन समझौता किया है किसके साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस के साथ, आईसीआरसी के साथ, जिससे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान जो है इसको येमेन, म्यांमार और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यूएई चला सके। इसके लिए मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन प्लान्स को आईसीआरसी के माध्यम से, रेडक्रॉस के माध्यम से, ये आप इसमें याद रखेंगे। और कितना कितना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना चाहते हैं, मानवतावादी सपोर्ट देना चाहते हैं कुल मिला करके, अलग अलग पैसे का, और ये किसकी मदद से करेंगे, आईसीआरसी की मदद से। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स के द्वारा प्रिपेयर किए एक इवोल्यूशन इंडेक्स में, जिसको ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बताया जा रहा है, इसमें इंडिया को 158वीं रैंक दी गई थी 195 कंट्रीज में 2016 के लिए, यानी कि इंडिया का ह्यूमन कैपिटल काफी कम बताया गया था। लैंसेट नाम की मैगजीन में ये सर्वे छपता है, ये समर्थित किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने अपना अभी लेटेस्ट में खुद का सर्वे भी करवाया था, जिसके बारे में आपको इंडेक्स वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो दोनों ही सर्वे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के जो लेटेस्ट सर्वे वो वर्ल्ड बैंक ने खुद करवाया था, और ये जो वाला सर्वे जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये करवाया आया है, और जिसको छापा जाता है लैंसेट नाम की इंटरनेशनल मेडिकल मैगजीन में। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 158वीं है, जो लेटेस्ट इंडेक्स आया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसमें कितनी है वो उसमें आप ध्यान रखेंगे अपने हिसाब से। दोनों ही इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के हैं, दोनों ही में रैंकिंग अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी कंस्टिट्यूट करने को कहा है एक प्रिजन रिफॉर्म, यानी कि जेल सुधारों पर एक समिति, मतलब कंस्टिट्यूट किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर एक समिति, जिसको हेड करेंगे जस्टिस अमिताभ रॉय। यानी कि कुल मिलाकर जो प्रिजन्स में जो सही कंडीशंस नहीं है प्रिजनर्स की, उनको चेक करने के लिए कैसा वेलफेयर है, विमेन अगर कैदी है वहां पर तो उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ रहा है, प्लस जो इनह्यूमन बिहेवियर होता है उसको यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए हमारे कंट्री के करीब 1382 जेलों में, इसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के हेड हैं जस्टिस अमिताभ रॉय, रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ रॉय। आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया था कम्युनिटी सपोर्टेड सप्लाई ऑफ प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पोरुपारा में, जो कि वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है, मतलब प्योरीफाई वाटर मिल सके यहाँ पर कम्युनिटी को, इसके लिए ये बताया गया है। ये एक फुल्ली ऑटोमेटेड मल्टी फिल्टर्ड यूवी ट्रीटेड वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, यानी कि जो आपके घर में छोटे मोटे जो वाटर ट्रीटमेंट वाले जो मशीन्स लगी रहती हैं, इसका एक बड़ा वर्जन है कह सकते हैं। इसको ज्यादा प्रोडक्टिव बता रहे हैं, क्योंकि 1000 लीटर का प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर इससे विदड्रॉ किया जा सकता है, जो कि 60 फैमिलीज के काम आ सकता है, और केवल एक फैमिली को 1 रुपए ऐसा शुद्ध पानी लेने के लिए खर्च करना होगा, ठीक है। तो बस ये आप याद रखेंगे। अब इसको पेटेंट नहीं दिया गया है, और पेटेंट के लिए इसने फाइल किया, जिससे आगे भी इसको एक्सपेंड कर सके बंगाल में। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है 23 सितंबर को। इसकी थीम रही थी इस बार विद साइन लैंग्वेज एवरीवन इज इंक्लूडेड, और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ भी मनाया जा रहा था इसके साथ में। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में डिक्लेयर किया 2019-2028 के डिकेड को नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस के रूप में। नेल्सन मंडेला पीस समिट जो हुई थी न्यूयॉर्क में 24 सितंबर 2018 को, उसमें अडॉप्ट किया गया है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 से 28 का डिकेड क्या है, नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस है। पीएम मोदी जी को अभी चैंपियंस ऑफ अर्थ का पुरस्कार मिला है, आप जानते हैं, और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनके साथ मिला है, इमैनुअल मैक्रोन के साथ। आईएसए के लिए मिला है, आईएसए को मतलब बढ़ावा देने के लिए, आईएसए को स्टैब्लिश करने के लिए कह सकते हैं। चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड जो है एनवायरमेंट कंजर्वेटर्स के लिए, दुनिया का सबसे उत्कृष्ट, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है। इसमें पांच या छह कैटेगरीज होती है, तो उसमें से एक कैटेगरी होती है पॉलिसी लीडरशिप की, उसकी कैटेगरी में ज्वाइंटली मिला है पीएम मोदी जी को और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। एक यहाँ पर कैटेगरी होती है एंटरप्रेन्योरशिप विजन की, एंटरप्रेन्योरशिप विजन जो होता है इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को,
2018 के लिए, ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मोदी जी वाला तो काफी पॉपुलर हुआ था, ये चीज इतनी लाइमलाइट में नहीं आ पाई थी, तो ये आप याद रख लीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप विजन की कैटेगरी में मिला था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, बताइए क्यों मिला था, क्या खासियत है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो इसके लिए इसको सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है एनवायरमेंट कंजर्वेटर्स का। स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018, इसका आयोजन हुआ था जयपुर राजस्थान में, जून में स्मार्ट सिटी एक्सपो हुआ था एक बार दिल्ली में, एक बार दोबारा हो गया ये, इस पे वेंकैया नायडू जी ने इसको लॉन्च करा था, ये आप याद रख सकते हैं। इंडिया ने साथ दिया है यूनाइटेड स्टेट्स का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, जिससे जो ट्यूबरक्लोसिस है इसको एलिमिनेट किया जा सके, तो ये आप याद रखेंगे इसमें। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कब तक टीबी को एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, 2030 पहले था, अभी 2025 कर दिया गया है, तो ये याद रखेंगे। हालांकि यूएन का जो ऑब्जेक्टिव है टीबी को एलिमिनेट करने का पूरे विश्व से, वो 2030 का ही है, और यूएन ने ये भी कमेंट इसमें किया था कि ये भी काफी मुश्किल अभी काम है। आधार वर्डिक्ट आया था काफी इंपॉर्टेंट, इस पर सेपरेट वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, ये मैंने खुद रिकॉर्ड करके बनाया था, इसमें बताया था मैंने कि क्या क्या प्रोविजंस बदल दिए गए थे, आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये सब चीजें हम बता चुके हैं। आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, आधार को जहां जहां मैंडेटरी रखा गया था वहां वहां वॉलेंटरी करने का प्रयास किया था कोर्ट में, ये आप इसमें समझ लीजिए। तो वॉलेंटरी कहां पर है, मैंडेटरी कहां पर है, ये प्रोविजंस पूछ सकते हैं आपसे। तो कहां पर जरूरी है, ये पैन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी है, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए बेहद जरूरी है, और जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं और सब्सिडीज है गवर्नमेंट की, जिसका फंड ड्रॉ किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उनको प्राप्त करने के लिए जरूरी है। कहां पर नहीं जरूरी है, जहां पर अभी तक था स्कूल एडमिशन में नहीं जरूरी है बिल्कुल, नए सिम कार्ड खरीदने के लिए नहीं जरूरी है, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मैंडेटरी था अभी तक, इसके बिना खुलता ही नहीं था बैंक अकाउंट, तो अब नहीं जरूरी है। सीबीएसई नेट यूजीसी के एग्जाम्स में नहीं जरूरी है, प्राइवेट कंपनीज अब आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं। ग्लोबल री इन्वेस्ट इंडिया आईएसए पार्टनरशिप, इसका आयोजन 3 से 5 अक्टूबर को होना था जो कि हुआ था, ये आप याद रखेंगे। इसमें सबमिट में खाली वेन्यू ही ध्यान रखनी होती है, और ज्यादातर केसेस में वेन्यू आपकी दिल्ली ही होती है, जहां पर नहीं होती है बस वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसमें पहली बार किसी रक्षा मंत्री ने अपॉइंट किया है ट्रांजेक्शन एडवाइजर और लीगल एडवाइजर प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को यहां पर रक्षा मंत्री ने अपना ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांजेक्शन एडवाइजर पहला रक्षा मंत्री का कौन बना है, एसबीआई कैपिटल या फिर एसबीआई कैपिटल मार्केट्स। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है इसको शुरू कर दिया गया था, दूरसंचार नीति आप कह सकते हैं इसको, और इसके तहत लक्ष्य रखा गया था कि हर व्यक्ति के पास 50 मेगाबिट पर सेकंड यानी 50 एमबीपीएस की स्पीड वाला कनेक्शन होना चाहिए। देखते हैं कब तक हो पाता है, अभी तक 5 भी नहीं मेरे पास। इसमें कहा गया है कि इतना ही नहीं जीबीपीएस तक की कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करवाएंगे 2020 तक, 1 जीबीपीएस तक का कनेक्शन ग्राम पंचायत के पास होगा 2020 तक, और 10 जीबीपीएस का होगा 2022 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट गोल है इसका। ये जो नई दूरसंचार नीति है इसके तहत जो है, पहले जो हमारा दूर संचार आयोग होता था अब उसको डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया है नाम, ये जरूर ध्यान रखना। और ये कह रहे हैं कि इसमें हम लोग 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 4 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट किए जा सकेंगे, 4 मिलियन यानी कि 40 लाख नौकरियां करीब इस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में क्रिएट की जा सकेगी। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को, इस बार थीम रखी गई थी टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना जरूर से जरूर, और टूरिज्म मिनिस्ट्री भी इसको सेलिब्रेट करती है। हमारे मध्य प्रदेश के 2 हवाई अड्डों को यहाँ पर इसके तहत अवार्ड मिला है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बताइए आप कमेंट्स में लिख करके कि वो 2 एयरपोर्ट्स कौन से हैं, ये आप बताइए जरूर, हमने आपको बताया हुआ है करेंट अफेयर वाले वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट अगली चीज है कि इंडिया जो है सार्क का पहला मेंबर बन गया है जिसने टोबैको प्रोडक्ट्स पर क्विट लाइन नंबर जो है इसको लिखवाना शुरू किया है। देखिए सार्क का ये पहला कंट्री बना है जिसने क्विट लाइन नंबर लिखा है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, और कोई भी ला करके 4था मेंबर बन गया। इससे पहले आपके थाईलैंड लिखवा चुके हैं उसमें, और सिंगापुर में भी लिखवाया जा चुका है ये, तो एशिया का कुल मिला करके 4था, और सार्क का पहला कंट्री बन गया जिसने क्विट लाइन नंबर छपवाया। क्विट लाइन नंबर एक हेल्पलाइन नंबर ही है जिसमें से टोबैको के जो अडिक्ट्स हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है कि वो टोबैको प्रोडक्ट्स को कैसे दूर कर सके, अपने जीवन से एलिमिनेट कर सके धीरे धीरे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार आपको मतलब टोबैको प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर को लिखवाना अनिवार्य है, पिक्टोरियल वार्निंग लिखवाना अनिवार्य है टोबैको पैकेट्स पर, 85% हिस्से में जहां पर आपके व्हाइट बैकग्राउंड में रेड कलर से लिखा हो टोबैको कॉसेस पेनफुल डेथ, 85% हिस्से में लिखवाना अनिवार्य है। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है एशिया का 4था कंट्री, इससे पहले थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर ऐसा कर चुके हैं, क्विट लाइन नंबर ही लिखा हुआ है, अगर कोई यूज करता है टोबैको प्रोडक्ट्स तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 150 मिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किया है इंडिया के पहले मल्टी स्किल पार्क के डेवलपमेंट के लिए, जो कि कहां पर बनेगा, ये बनेगा भोपाल में। कमलेश नीलकंठ व्यास को अभी अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, AEC का। कमलेश नीलकंठ व्यास अभी इस समय सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, तो ये आप इनका नया अपॉइंटमेंट ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, लेटेस्ट से ही ज़्यादा पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने अभी एक पैक्ट साइन किया है ट्राइटन सोलर कंपनी के साथ, जो कि USA की है, जिससे कि सोलर बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाया जा सके आंध्र प्रदेश में। PPP मॉडल पर आधारित ये सोलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवाना चाहते हैं अपने यहाँ पर, तो इनका सहयोग लेंगे इसमें। प्रोजेक्ट उन्नति, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य ये है कि जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं 12 मेजर, उनमें जो है ऑपरेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया जा सके। इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट उन्नति के तहत हमारे जितने भी मेजर पोर्ट हैं उनमें छोटे छोटे 116 करीब इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। देखिए, 27 सितंबर पर बहुत सारे अवार्ड देती है हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री, तो अवार्ड दिए गए थे अहमदाबाद और मांडू को बेस्ट हेरिटेज सिटी का। कुतुब मीनार ने टॉप अवार्ड यहाँ पर जीता था डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली मेनूमेंट कैटेगरी में, करीब 80 कैटेगरी होती हैं। गुजरात ने यहाँ पर 3 मेजर अवार्ड जीते थे नेशनल टूरिज्म के। बेस्ट सिविक मैनेजमेंट का अवार्ड मिला था सतपुड़ा हिल स्टेशन को, बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड मिला था, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था अहमदाबाद को। तो ये सब आप याद रखेंगे, हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए आ गया यहाँ पर। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला था? अहमदाबाद को। आंध्र प्रदेश को स्टेट सी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला। राजस्थान टूरिज्म को यहाँ पर नेशनल अवार्ड मिला है मोस्ट इनोवेटिव और यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया एंड वेबसाइट्स के लिए। 80 कैटेगरी होती है जितनी भी यहाँ पर लाल से लिखी गई है, एक बार उनको देख लीजिएगा। स्टेट की कैटेगरी में अवार्ड आंध्र प्रदेश को गया, ये जरूर देख लीजिएगा, बाकी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। किसी राज्य की सरकार ने पहली बार सोचा है कि फायर वुमेन की पोस्ट क्रिएट करेंगे। केरला स्टेट में जो फायर यूनिट्स होती हैं उसमें रेस्क्यू सर्विसेज में फायर वुमेन की पोस्ट जो है क्रिएट की जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 26 सितंबर को। अच्छा, 27 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। 2017 में 27 सितंबर के दिन एक स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना आप लोग। अभी बॉक्सर MC मेरी कॉम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अपने एक इनिशिएटिव ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र कलेक्शन इन्होंने लॉन्च करा था ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। पंचतंत्र में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि ऑनलाइन बिकेंगे दिवाली के लिए, जैसे कुछ इसमें दीये शामिल हैं, कुछ एथनिक वियर शामिल है, कुछ सजावट के सामान शामिल हैं, तो ये पूरा कलेक्शन है, ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी देखने को मिलेगा, अमेजोन जैसे में, स्नैपडील पर, और ट्राइफेड के जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स हैं वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको जो तस्वीर देखने को मिलेगी वो MC मैरीकॉम की होगी, वो उसको प्रमोट कर रही हैं। केंद्र सरकार ने 8 सदस्यों की एक लोकपाल खोज समिति गठन किया है, जिसकी हेड रहने वाली हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई, और इसमें बहुत सारे एमिनेंट मेंबर हैं जैसे पूर्व इसरो के हेड AS किरण कुमार, ए सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती के पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य FBI चीफ रह चुकी हैं, इनको शामिल किया गया है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने गूगल के साथ मिलकर के एक लू रिव्यू कैंपेन शुरू किया था, यानी कि आपके गूगल मैप में आप नियरेस्ट टॉयलेट भी फाइंड कर सकते हैं और उसके रिव्यूज भी देख सकते हैं, इसी को कहा गया था लू रिव्यू। रजनीकांत मिश्रा को बनाया गया था डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, यानी कि BSF का, ये आप याद रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी रोमानिया में एक आयुष इन्फॉर्मेशन सेल खोलने का इनिशिएटिव लिया है। रोमानिया में जिससे आयुष्मान भारत से संबंधित सॉरी आयुष्मान मेडिसिन से संबंधित जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहां पर इंडक्ट की जा सके, मतलब आयुष की दवाइयों के नाम पर रोमानिया में कोई गलत दवाइयां ना बिके, इसको इंश्योर करने के लिए। केरला में 8वां एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो हो रहा है ये जिमी जॉर्ज इंडोर स्टेडियम तिरुवनंतपुरम केरल में हो रहा है, ध्यान रखेंगे इसको। वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को, और इस बार थीम रही है रेबीज, शेयर द मैसेज, सेव अ लाइफ। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो हेड हैं श्री सुरेश प्रभु, इन्होंने हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप को कंस्टिट्यूट किया है HLAG, जो हमारे ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो में जो चैलेंजेस हमारे सामने, जो चुनौतियां हैं उनको देखने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो योजनाएं बनाई जाएंगी समिति के द्वारा, इसको हेड करेंगे सुरजीत S. भल्ला। नीति आयोग ने अभी ओरेकल के साथ यहाँ पर समझौता किया है। ओरेकल के बारे में आप जानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है इसमें, तो इसके साथ समझौता किया गया है जिससे फेक ड्रग्स को यहाँ पर कर्ब किया जा सके, फेक ड्रग्स के नेटवर्क को यहाँ पर कर्ब किया जा सके।
इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाएगी, जिससे जो भी ऑथेंटिक ड्रग है उसका रिकॉर्ड इस तरीके से रखा जा सके, सीरियल नंबर से लेबलिंग करके, स्कैनिंग करके, कोई भी ऐसा स्कोप ना बचे जिससे उसकी टेम्परिंग करके उसका कोई मतलब नकली ड्रग बनाया जा सके, नकली पैक बनाया जा सके। मध्य प्रदेश में पहला कॉर्न फेस्टिवल मनाया गया था कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे आप लोग, छिंदवाड़ा जो है लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। इंडो मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है नोमैडिक एलिफेंट, ये शुरू हुई थी, इसका थर्ड एडिशन था। ये कहाँ पर हुई थी? ये मंगोलिया में हुई हुई थी, उलान बटर में। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटर। ठीक है, नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया इंटेल के साथ मिल करके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिल करके, जिससे एक मॉडल इंटरनेशनल सेंटर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टैब्लिश किया जा सके। दिल्ली राज्य की सरकार ने अपनी अनोखी तरह की एक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू की थी, जिसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को आप अपने घर पर अवेल कर सकते थे। 40 तरह की गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स की सेवाएं होती हैं, जैसे आपका आपका राशन कार्ड हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, तो इन सब चीजों को आपके बनवाने के लिए वहां के ऑफिस जाना पड़ता था। अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, एक नॉमिनल चार्ज लेकर के ये फैसिलिटीज आप अपने घर पर अवेल कर सकते थे। इसका नाम है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और इसमें ₹50 आपको देने पड़ेंगे इस सर्विसेज को अवेल करने के लिए। इसके कुछ अलग अलग है, मतलब ₹50 मिनिमम है। दिल्ली सरकार ने VFS ग्लोबल के साथ मिल करके, जो एक वीजा और पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, और ये बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वीजा और पासपोर्ट का पूरे विश्व में, इसके साथ कोलेबरेशन किया है, जिसके साथ ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को 3 साल के लिए अपने स्टेट में रन कर सके। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का रिकमीशन कर दिया गया है, अप्सरा यू रिएक्टर बकायदा अपग्रेड करके इसमें, तो ये आप याद रख सकते हैं। अप्सरा जो है एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था, जो ऑपरेशनल हुआ था ट्रॉम्बे कैंपस में 4 अगस्त 1956 में। इसको बंद कर दिया गया था 2009 में इसके रिजुवनेशन के लिए, और अब ये बकायदा रिकमीशन किया जाएगा अपग्रेडेड अपने वर्जन के साथ। इंडिया और US युद्ध अभ्यास के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, आप जानते हैं आरबी की, तो इसका जो है 14वां एडिशन शुरू हो चुका था। ये हिमालय के फुटहिल्स पर चौबतिया नाम की जगह पर उत्तराखंड में शुरू हुआ था। अच्छा, उत्तराखंड में मई में एक युद्ध अभ्यास किया था इंडिया ने नेपाल के साथ, वो सूर्य किरण किया था। ठीक है, वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB ने पार्टनर किया, मतलब साझेदारी की फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ, जिससे कि पेमेंट नेटवर्क को एक अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल के फॉर्म में जो है ये डेवलप कर सकें। आप जानते हैं कि IPB पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट इक्विटी वाली जो एक यूनिट है, एक निकाय है, RBI इसका संचालन करता है, और इसमें 1 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट है पैसे जमा करने की। कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड इशू नहीं कर सकता है। हालांकि इसमें एक स्पेशल तरह के ट्रांजेक्शन की बात कही जा रही है, QR कोड आधारित, जिसमें आपको अपना ATM पिन भी नहीं डालना है, कोई पिन नहीं डालना है, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में लिख करके बताइए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO कौन है, बताइए कॉमेंट्स में लिख करके। भारत सरकार ने एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को गठित किया है, इसको जिससे के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है। इसको चेयरपर्सन, मतलब इसके चेयरपर्सन होंगे रमेश अभिषेक, इसको चेयर करेंगे रमेश अभिषेक। हमने आपको कॉन्फ्रेंसिस के वीडियो में बताया था, आयोग के वीडियो में बताया था, कमीशन के वीडियो में, कि आपको इसमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, या तो आयोग का नाम दे करके पूछते हैं कि पर्पस इसका क्या रहा था, या तो पर्पस का नाम दे करके पूछते हैं कि इसका हेड कौन रहा था। तो दोनों ही चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। भारत सरकार ने क्या बनाया? ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया है। किस काम के लिए बनाया है? जिससे कि प्रपोजल्स ये दे सके, प्रस्ताव रख सके ई कॉमर्स पॉलिसी के लिए। इसके हेड रहने वाले हैं रमेश अभिषेक। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी बना था, वडोदरा गुजरात में, इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु की सरकार ने अभी ई सिगरेट्स को बैन कर दिया, ये आप याद रखेंगे। तमिलनाडु की सरकार ने ई सिगरेट्स के साथ साथ ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम को बैन कर दिया है, जो कि या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते थे। ऐसा करने वाला तमिलनाडु नवा स्टेट बन गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बिहार में ई सिगरेट बैन है, तमिलनाडु में बैन है। 10 दिनों का इंडिया मतलब नेपाल चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सागर माथा फ्रेंडशिप 2018, इसका आयोजन हुआ था चेंगदू में, जो कि कैपिटल है चाइना के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस सिचाउन की। तो आप ध्यान रखेंगे नेपाल चाइना कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? सागर माथा फ्रेंडशिप।
लाल कृष्ण आडवाणी को रिनोमिनेट कर दिया गया है चेयरपर्सन के रूप में लोकसभा एथिक्स कमेटी के लिए। लोकसभा एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन ये बने हुए थे 2014 से लगातार, एक बार फिर से इनके टर्म को बढ़ा दिया गया है, ये आप इसमें याद रखेंगे। इंडिया की अनुभवी तेज गेंदबाज और पूर्व कप्तान जो झूलन गोस्वामी है, ये बन गई थी किसी भी महिला क्रिकेटर के द्वारा 300 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली पहली महिला पूरे ओडीआई कैरियर में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें मिताली राज ने सबसे पहले सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया था इससे पहले ओडीआई क्रिकेट में, तो इन दोनों के बारे में आप याद रख सकते हैं। इस समय विमेंस टीम की कप्तान कौन है बताइए कमेंट्स में लिख करके, मिताली राज नहीं है ये ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर अरुण चिन्नैयन को आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेटर का अवार्ड मिला है और इनको इतना प्राइज भी मिला है यूएस के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने इनको दिया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम करते थे, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने इनको दिया है कैंसर बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इन्वेस्टिगेटर अवार्ड किसको मिला है ये आप याद रखेंगे, अरुण चिन्नैयन बस। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में लॉन्च कराया अपना इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिया का पहला 205 टी इलेक्ट्रिक ड्राइव रियर डंप ट्रक मैसूरू प्लांट में अपने, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। तो कौन सी चीज ये बनाई गई है, 205 टी इलेक्ट्रिक ड्राइव रियर डंप ट्रक, ठीक है थोड़ा सा नाम मुश्किल है लेकिन ध्यान रख लेना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पहली बार इंडिजिनियसली इसको ना सिर्फ डिजाइन किया गया, इसको यहां पर बनाया भी गया। अभी एक कल्चरल स्टडी करवाई गई थी यूएस बेस्ड मल्टी नेशनल वर्क फोर्स मैनेजमेंट फर्म क्रोनोस के द्वारा, इसमें बताया गया कि भारत जो है सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों की कैटेगरी में आता है और इनके 69% से ज्यादा इंप्लॉयज जो हैं ये 5 डे के वर्क वीक में सबसे खुश पाए गए थे, ठीक है खुश मिजाज काम करने वाले इसमें पाए गए थे, ये आप याद रखेंगे। चलो कहीं तो हम लोग खुश मिजाज हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बुक का नाम है द ट्वाइस बर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गैंगेज, ये किसने लिखी है, ये आतिश तासीर ने लिखी है, ये आप याद रखेंगे इनको, ये तवलीन सिंह के बेटे हैं। इंडिया का पहला ट्राइबल सर्किट टूरिज्म प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है ऑफकोर्स स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि इनको कुछ थीम बेस्ड सर्किट्स को डेवलप करना है, जैसे बुद्ध सर्किट हो गया आपका, ये ट्राइबल सर्किट हो गया आपका, डेजर्ट सर्किट हो गया जो करीब राजस्थान में डेवलप किया जा रहा है, गुरु सर्किट हो गया पंजाब में, तो इस तरह के कुछ सर्किट्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए धीरे धीरे फंड रिलीज हो रहा है। तो अभी फंड आया है किसके लिए, ट्राइबल प्रोजेक्ट को, ट्राइबल सर्किट को डेवलप करने के लिए, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। 13 साइट्स ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जिनको ट्राइबल सर्किट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। ट्राइबल सर्किट थीम वाला जो सर्किट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हिसाब से 4 प्रोजेक्ट है, नागालैंड में है, एक तेलंगाना में है और एक छत्तीसगढ़ में है। कुल कॉस्ट यहां पर है 380 करोड़ रुपए, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। और बाकी हर जो सर्किट में डेवलपमेंट होगा, जैसे सोलर इल्यूमिनेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेसाइड एमिनिटीज, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वाईफाई, ये सब चीजें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी किसी भी आपके थीम बेस्ड सर्किट के डेवलपमेंट में। देखिए 15 थीम बेस्ड सर्किट अभी तक फाइनलाइज किए जा चुके हैं, 24 के करीब बनवाए जाने हैं, 22 से 24 हैं ऐसा मुझे नहीं ध्यान है, तो 15 यहां पर अभी तक मतलब दिखाए जा चुके हैं इनकी वेबसाइट पर। G20 के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर हुई थी, ये मार डेल प्लाटा अर्जेंटीना में हुई थी, तो ये आप इसमें याद रखेंगे, बस वेन्यू पूछा जाता है आपके कॉन्फ्रेंसेस में। हम लोगों ने अपना हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया था हर साल जैसे करते हैं 14 सितंबर को, और देवनागरी हिंदी में हमारी भाषा चुनी गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 1949 में इस दिन, इस वजह से हम इसको मनाते हैं। हमारे 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट की है जिसके हेड रहेंगे DK जैन, और इसरो स्पाइस कैंडल का एग्जामिनेशन ये करेगी, ठीक है। इसमें स्पेस साइंटिस्ट नाम्बी नारायण को जैसे आरोपी ठहराया गया था गलत तरीके से, उसकी जांच करने वाली है कि आखिर क्या मामला था और इनको आरोपी क्यों बनाया गया है, उनके साथ इंसाफ करने के लिए, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। इसरो स्पाइस कैंडल संबंधित समिति कौन है, ये DK जैन समिति है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका गठन किया है। आर्टिकल नंबर 124 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट जी ने अपॉइंट किया है रंजन गोगोई को 46वें चीफ जस्टिस के रूप में, CJI के रूप में, ध्यान रखेंगे। अब हमारे दीपक मिश्रा नहीं रहे 2 अक्टूबर से, हमारे CJI अब हैं जस्टिस रंजन गोगोई। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में, जैसे रेलवे पुलिस वगैरह में तो जरूर पूछा जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें हमारे 46वें नंबर के CJI हैं रंजन गोगोई। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है नुखाई जो कि ओडिशा में शुरू हो चुका है, आपके OPSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख लीजिएगा ओडिशा वाले लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो। हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो इस समय मंत्री हैं राधामोहन सिंह, इन्होंने डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को दिल्ली में लॉन्च करा है।
10,881 करोड़ रुपए का ये फंड है। इस फंड को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। बस्तर डिस्पैचेस अ पैसेज थ्रू द वाइल्ड, इसको ऑथर किया नरेंद्र नाम के व्यक्ति ने। इस बुक का नाम आप याद रख सकते हैं बुक्स एंड ऑथर वाले में। हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 8 सितंबर को। इस बार थीम रही थी लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट। अरपिंदर सिंह ने इतिहास रच दिया था, ये पहले भारतीय बन गए थे एक मेडल जीतने वाले। IAAF कॉन्टिनेंटल कप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। इन्होंने गोल्ड भी दिलाया था हमको एशियाड में, काफी चर्चा में आए थे अरपिंदर सिंह, ये ट्रिपल जंप करते हैं। नाओमी ओसाका पहली जैपनीज प्लेयर बन गई थी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स का टाइटल जीता। सेरेना विलियम्स को हराया था, ये काफी विवादित मैच रहा था, इसमें सेरेना ने अंपायर पर आरोप लगा दिए थे, काफी न्यूज में रही थी ये चीज। हम आपको बता दें US ओपन में या फिर किसी भी ओपन में किसी भी ग्रैंड स्लैम में आपको दो टाइटल याद रखने पड़ते हैं, मेन सिंगल के और वुमेन सिंगल के फाइनल के। मेन्स डबल कभी नहीं पूछे गए हैं तो मैं इसको नहीं बताऊंगा और ना आपको रिकमेंड करूंगा कि आप याद करें। मेन सिंगल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, और वुमेन्स टाइटल किसने जीता है, ऑफकोर्स नाओमी ओसाका ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च भोपाल ने विटामिन B12 के सिंथेटिक डेरिवेटिव का यूज करते हुए काफी चीप और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक सोलर सेल यहाँ पर डेवलप किए हैं। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस विद फोकस ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर शुरू हुई थी कॉन्फ्रेंस, ये शुरू भोपाल में, यानी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे 101 के करीब, उन पर हम लोग गुड गवर्नेंस कैसे लाएंगे इस पर फोकस करने के लिए कॉन्फ्रेंस शुरू की गई थी। 12वां एडिशन एरो इंडिया 2019 का कहां पर होगा, बेंगलुरु में होगा। पहले लखनऊ में प्रस्तावित था लेकिन अब होगा बेंगलुरु में ही। ये कब होगा, 20 से 24 फेब 2019 अगले साल में। नेहल चुड़ासमा जो है ये वुमेन है मुंबई से, यामाहा फेसिनो मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया इनको अवार्ड मिला है, ये आप याद रखेंगे। इसमें मिस यूनिवर्स इंडिया आप याद रख सकते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर का नाम नहीं जरूरी है। नेहल चुड़ासमा, अब इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है तो इनको यहाँ पर मौका मिलेगा 67वें मिस यूनिवर्स 2018 के कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए, जो कि बैंकॉक में होगा थाईलैंड में 16 दिसंबर 2018 को, ठीक है। देखते हैं मिस यूनिवर्स बन पाती हैं या फिर नहीं। केंद्र सरकार ने अभी एक समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व RBI गवर्नर बिमल जलान, सिलेक्ट करने के लिए कि अगले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि CEA कौन बनेंगे। वुमेन इन फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड यहाँ पर पहली बार अनाउंस किए गए थे इंडिया में, और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को यहाँ पर ऑनर किया गया था मेरिल स्ट्रीप अवार्ड से एक्सीलेंस वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। मेरिल स्ट्रीप का अवार्ड इनको मिला था एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन को, ध्यान रखेंगे इसमें, बस इतना आपको याद रखना है। इंडिया और फ्रांस ने समझौता किया है मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम के लिए न्यू दिल्ली में, और इस MYC प्रोग्राम के तहत फ्रांस किन हमारी सिटीज को डेवलप करेगा, नागपुर को, कोची को और अहमदाबाद को पहले टीयर में। फ्रांस सहयोग करेगा इन सिटीज में कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सके, एमिशंस को, और अर्बन ट्रांसपोर्ट में मोबिलिटी लाई जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो करवाया जा सके, यानी कि मोबिलिटी अचीव करनी है, वाहनों की रफ्तार तो बढ़ानी है लेकिन एमिशन को कम करना है, ये आप इसमें बस याद रख सकते हैं। रफ्तार को बढ़ाना है, एमिशन को कम करना है, मोबिलाइज योर सिटी स्कीम के तहत पहले फेज में 3 पायलट सिटीज हैं नागपुर, कोची, अहमदाबाद। देखो MYC एक फ्रांस का इनिशिएटिव नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसको फ्रांस और जर्मनी की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और इसको लॉन्च करा गया था 21वें कॉप में यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में 2015 में। 2018 ग्लोबल समिट क्लाइमेट एक्शन पर हुई थी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया US में, और ये आप याद रखेंगे इसमें। इस समिट में यही बात रखी गई थी कि कैसे हमको अपने गोल्स को पूरा करना है जो हमने अपनी अंडरटेकिंग्स दी थी पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, नेशनली डिटरमाइंड जो टारगेट्स थे अलग अलग नेशंस के उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए, और जो मेन टारगेट रखा गया था कि हमको 2 डिग्री टेम्परेचर तक अर्थ का कम करना है। बिम्स्टेक देशों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी माइलेक्स 2018 के नाम से, माइलेक्स 18 के नाम से, ये औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में हुई थी हमारे इंडिया में, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेपाल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम लोग मनाते हैं कब, सितंबर 10 तारीख को। इस बार इसकी थीम रही थी वर्ल्ड वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। हरियाणा राज्य की सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के कि एक इथेनॉल प्लांट जो है पानीपत में सेटअप किया जा सके 900 करोड़ रुपए की लागत से, तो बस इतना आप इसमें याद रख सकते हैं। जब सेटअप होगा तो देखा जाएगा क्या हिसाब किताब है इसका। कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में, ये पहला एयरपोर्ट बन गया था एशिया का जिसने फेस रिकॉग्निशन टेक्निक को यूज करना शुरू किया था।
इसके लिए एयरपोर्ट ने जो है जो पोर्टुगीज की एक सॉफ्टवेयर फर्म है विजन बॉक्स, इसके साथ समझौता किया था जिससे सॉफ्टवेयर जो है सेटअप किया जा सके कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, जो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, यहाँ पर पहली हमारी हेली टैक्सी सर्विस शुरू की गई थी। ये आप याद रखेंगे, ये आपके CDPO के पेपर में पूछा गया था। इंडियन एयरफोर्सेस ने एक अपना सक्सेसफुल ऑपरेशन कैरी आउट किया था मिड एयर रिफ्यूलिंग का तेजस में, यानी कि उड़ते समय इसमें फ्यूल भरने का काम इसमें पूरा कर लिया गया था। मतलब 20,000 फीट की हाई एल्टीट्यूड पर इसमें फ्यूल भर के इसको चलाया गया था। टैंकर एयरक्राफ्ट जो है आगरा से चला था और फाइटर प्लेन तेजस ग्वालियर से, और दोनों मतलब टैंकर से उसमें फ्यूल भर लिया गया था हवा में ही। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी के मिलिट्री प्लेन्स की कैटेगरी में इंडिया शामिल हो गया है अब, यानी कि हवा में ही एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, मतलब एक जो मेन प्लेन है फाइटर प्लेन, टैंकर के माध्यम से हवा में ही हम लोग उसमें फ्यूल फिल कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी हमारे यहाँ पर और खाली इलाइट कंट्रीज में ऐसा होता था, लेकिन अब हमारे पास भी है। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जो ओडिशा से आते हैं, इनको प्रेस्टिजियस BC रॉय नेशनल अवार्ड दिया गया है एमिनेंट मेडिकल पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। ये हाईएस्ट मेडिकल ऑनर होता है इंडिया का, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और ये इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंस्टीट्यूट किया गया था और प्रेसिडेंट जी इसको देते हैं अपने हाथों से। अमित पंगल जो कि हरियाणा से आते हैं, इन्होंने इंडिया के लिए एकमात्र बॉक्सिंग में गोल्ड जीता था हमारे एशियाड 2018 में, जो कि जकार्ता में हुए थे इंडोनेशिया में और पालंगबांग में। दिगंबर जैन मुनि तरुण सागर जी का निधन हो गया था, ये न्यूज़ बताए थे, आप ध्यान रखते हैं। कड़वे वचन इनके प्रवचनों का एक संकलन था। इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के नए यहाँ पर चेयरपर्सन बने सुनील मेहता। सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के विनय कुमार। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला ये शुरू की गई काठमांडू नेपाल में, ये 400 बेड की क्षमता वाली एक धर्मशाला डेवलप की गई है हमारे PM मोदी जी ने, और इन्होंने संयुक्त रूप से इसको शुरू किया था और ये बागमती रिवर के किनारे हैं। चौथी इंटरनेशनल आयुर्वेद कांग्रेस ये शुरू की गई थी नीदरलैंड में, ये लीडन में शुरू की गई थी नीदरलैंड में। श्रीपद यशो नाइक ने शुरू की थी जो कि आयुष मिनिस्ट्री के इस समय हेड है हमारे। जस्टिस ताहिरा सफदार ने यहाँ पर शपथ ली थी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रूप में, किसी भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली ये पहली महिला बनी थी, इस वजह से इसका नाम इम्पोर्टेंट है। जैपनीज स्विमर रिकाको इकी को यहाँ पर मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर चुना गया था जकार्ता इंडोनेशिया एशियाड की क्लोजिंग सेरेमनी में, तो ये आप याद रखेंगे। इन्होंने यहाँ पर काफी सारे मेडल्स निकाले थे, जैसे 6 गोल्ड और 2 सिल्वर, 8 मेडल निकाले थे एक प्लेयर ने, बहुत बड़ी बात है। इस वजह से इनको मिला था मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर का अवार्ड क्लोजिंग सेरेमनी में। ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी सिंगापुर में, आप ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक मिनिस्टर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, 10 आसियान कंट्रीज के हैं जो, और जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं जैसे कि इंडिया न्यूजीलैंड वगैरह, तो डायलॉग पार्टनर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जो 10 फुल टाइम आसियान के मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ये आप याद रखेंगे। इसमें आगे की आसियान की कुछ समिट्स ध्यान रख सकते हैं, इंडिया बिजनेस समिट ये कहां पर होगी, कुआला लंपुर मलेशिया में होगी, और चौथा आसियान डायलॉग पार्टनर एक्सपो और समिट जो है ये शेड्यूल्ड है 21 से 23 फरवरी 2019 में, ये नई दिल्ली में होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस कुछ रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, जो ई फार्मेसीज जो होती है ऑनलाइन जो ड्रग्स की सेल होती है दवाइयों की पूरी कंट्री में, उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किए हैं। इसके तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है हर हाल में, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो स्टॉक कर सकता है ना तो एग्जिबिट कर सकता है ना तो सेल कर सकता है ड्रग्स को, जब तक उसने रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो नई गाइडलाइंस के तहत। और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर ड्रग ऑनलाइन के माध्यम से बेचते हैं तो उनको जो प्रेस्क्रिप्शन सेंड किया जाता है बायर के द्वारा उसका एक रिकॉर्ड रखना होगा हमेशा, और कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पर रखना होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी मेंटेन रखना होगा, और किसी भी तरह के फेक ड्रग को प्रमोट नहीं करेंगे, ये सब सारी चीजें जो नॉर्मल होती हैं किसी भी गाइडलाइंस में इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड ईयर ऑफ द ऑफिस ये बुक लिखी गई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी वेंकैया नायडू जी के द्वारा, इसको रिलीज किया था PM मोदी जी ने। वर्ल्ड कोकोनट डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 2 सितंबर को, इस बार थीम रही थी कोकोनट फॉर गुड वेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस। पता है कोकोनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पूरे विश्व में कौन सा है? डॉक्टर आरिफ अलवी बन गए हैं नए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के। अरोरा प्राइज जीतने वाले जो काय अहला ओंग जो हैं, ये लॉयर हैं एक्टिविस्ट हैं म्यांमार में, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये $1 मिलियन जो हैं अपने अवार्ड के वो लगा देंगे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कार्यों में रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए, तो ये आप याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल एविएशन समिट कहाँ पर हुई थी 2018 में, नई दिल्ली में। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का लक्ष्य है कि हम लोग 2035 तक
100 नए एयरपोर्ट स्टैब्लिश कर सके इंडिया में अगले 10-15 सालों में, तो ये सब इसमें कंटेम्पलेशन हुआ था। राजस्थान की सरकार ने तय किया है कि वो फ्री में मोबाइल फोन्स यहाँ पर बांटेंगे बीपीएल लोगों को, जिससे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा सके। भामाशाह योजना के अंतर्गत बांटेंगे, ठीक है? तो योजना का नाम जरूर ध्यान रखना जिसके अंतर्गत बांटना है मोबाइल। मैरलेल इंटरनेशनल कैमल डर्बी हुई थी यहाँ पर, मैरलेल टाउन केन्या में, और केन्या का बेस्ट और मोस्ट प्रेस्टीजियस कैमल रेस है, यानी कि ऊँटों की दौड़ है। 2+2 डायलॉग का फर्स्ट राउंड इंडिया और यूएस के बीच नई दिल्ली में हुआ था। ये किसने किसने ज्वाइन किया था, 2+2 की यहाँ पर बात हो रही है, 2 US की तरफ से, 2 हमारी तरफ से। हमारी तरफ से 2 सुषमा स्वराज जी और निर्मला सीतारमण जी, और 2 तरफ वहां से आए थे सेक्रेटरी ऑफ यूएस के स्टेट माइकल आर पॉम्पियो, और डिफेंस सेक्रेटरी आए थे जेम्स एन मैटिस, ये दोनों लोग आए थे यहाँ पर। और कोमकासा एग्रीमेंट को साइन किया गया था। कोमकासा उन 4 एग्रीमेंट्स में से एक है जो किसी भी कंट्री को यूएस के साथ साइन करना होता है अगर उसको यूएस के हाई एंड डिफेंस सिस्टम को यूज करना है या फिर उनके हाई एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करना है। सो कोमकासा थोड़ा स्पेशल नाम है इंडिया की तरफ से, क्योंकि जो नॉर्मल एग्रीमेंट होता था ये इसका नाम होता है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसका बनता है सिस्मोवा, सिस्मोसा बनता है ये, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है इसका। एग्रीमेंट का नाम डिस्टॉर्ट करके कोमकासा रख दिया गया है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए किया जाता है। आरबीआई ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम 2018 में, जिससे इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है इसको थोड़ा सा मजबूती मिल सके। तो जो आईओ बनेगा अब इस नई स्कीम के तहत, इंटरनल ओम्बुड्समैन जिसको कहेंगे हम लोग, इसका अपॉइंटमेंट 5 साल तक के लिए होगा और री अपॉइंटमेंट इनका नहीं किया जा सकता है इसमें। तो ये ओम्बुड्समैन क्यों लाए गए हैं, जिससे ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो था अभी बैंक्स में वो काफी कम अच्छा था, इसको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, अगर बैंक्स के खिलाफ किसी भी कस्टमर की ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल अच्छे से किया जा सके। इसके लिए यूएई ने अभी मार्च के लिए एक मिशन लॉन्च करा है मिशन होप के नाम से, जो कि 2020 में शुरू होने की उम्मीद है। स्लाइनेक्स की नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई थी, स्लाइनेक्स 2018 इंडिया और श्रीलंका नेवी करती है, ट्रिकोणमाली में हुई थी इस बार की श्रीलंका में। इंडिया और फ्रांस ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब इसरो के जो पहला ह्यूमन स्पेसिफिक जो ह्यूमन मॉड्यूल प्रोग्राम है गगनयान, काफी ज्यादा ये चर्चा में रहता है। 2022 इसकी डेडलाइन अब नियुक्त कर दी गई है, पहले 2025 तक होना था ये, अब 2022 कह दिया पीएम मोदी जी ने, तो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है इसरो। तो इसी के तहत फ्रांस के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया गया है। सबसे पहला स्टेप इस एमओयू का है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनका एक्सचेंज किया जा सके, स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में काम करना है इस ह्यूमन मॉड्यूल मिशन को अंजाम देने के लिए। देखो गगनयान का वन लाइन में मिशन यही है कि 3 मेंबर का हमको क्रू भेजना है ह्यूमन मॉड्यूल के तहत 5 से 7 दिन के लिए 2022 तक में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने कॉफी कनेक्ट ऐप को लॉन्च करा है। ये कॉफी कृषि तरंग भी एक लॉन्च किया गया है, आईवीआर बेस्ड डिजिटल मोबाइल एक्सटेंशन सर्विस। तो ये 2 चीजें किसको हेल्प करेंगी, कॉफी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो फार्मर हो चाहे इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हों, उनको कॉफी की जीआई टैगिंग दिलाने में थोड़ी सी ऑगमेंट करेगी फैसिलिटीज को, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बूस्ट करेगी, ये सब चीजें इसमें करेगी। सो जो 2 इन पोर्टल के नाम है कॉफी कनेक्ट और कॉफी कृषि तरंग, इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को। इस बार थीम रही थी क्या, नहीं रही थी, तो नहीं ध्यान रखेंगे इसको। इंडो कजाकिस्तान एक्सरसाइज जो है काजिन डिस की शुरुआत हो चुकी थी, ओटार रीजन कजाकिस्तान में शुरू हुई थी, ये तीसरी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। कजाकिस्तान के साथ हम लोग एक और एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को इंडिया की तरफ से एक बार फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है रीजनल डायरेक्टर के रूप में WHO साउथ ईस्ट एशिया के ऑपरेशन के लिए। इनका टर्म जो है अब दोबारा से शुरू होगा फेब 2019 से, और अभी भी ये बनी हुई थी 71वीं रीजनल कमेटी मीटिंग जो है WHO साउथ ईस्ट एशिया की दिल्ली में होगी। इंडिया ने बुल्गारिया के साथ यहाँ पर 5 पैक्ट साइन किए हैं, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। इसमें रामनाथ कोविंद जी 5 देशों की यात्रा पर थे, तो उसमें से साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक में से बुल्गारिया के साथ हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। यहाँ पर सोफिया यूनिवर्सिटी में इस एग्रीमेंट में से एक समझौते के तहत एक हिंदी चेयर का गठन किया जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने अटेंड किया था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 को, और ये कहां पर हुआ था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम था, 7, 8, 9 सितंबर को यहां पर चला था, और 125वीं एनिवर्सरी यहां पर मनाई गई थी स्वामी विवेकानंद जी के हिस्टोरिक स्पीच की जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी वर्ल्ड रिलीजन की 1893 में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया था 3 दिवसीय डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी एक्सपो कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में ही। मैरी कॉम को बीएसएनएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 2 सालों के लिए, आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क अपना जस्टिस दिया था, धारा 377 के कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें सऊदी अरब में रिलीज की जाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी थी गोल्ड, ये आप याद रखेंगे। गोल्ड किसकी फिल्म है? अक्षय कुमार की फिल्म है, रीमा कागती इसकी डायरेक्टर हैं। इंडिया ब्लू ने 57वां एडिशन जीता है दलीप ट्रॉफी का यहाँ पर फाइनल मैच में, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। इंडिया रेड को हरा करके जीता इन्होंने। चौथा एडिशन वर्ल्ड समिट ऑन एक्रेडिशन WOSA, ये हुआ था नई दिल्ली में 7 सितंबर को, और इसका थीम रहा था चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज इन द आउटकम बेस्ड एक्रेडिशन। एक्रेडिशन के यहाँ पर मतलब है मान्यता देना। हिमा दास को अभी ऑफिशियली असम का स्पोर्ट्स एम्बेसडर बना दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। इसमें रूल ब्रेकर्स के नाम से किताब लिखी गई थी जिसके लेखिका हैं प्रीति शिनॉय। ओडिया भाषा के कवि जो हैं शत्रुघ्न पांडे, इनको 39वां संस्करण का पुरस्कार मिला था सरला पुरस्कार 2018 के लिए इनके पोएट्री कलेक्शन मिस्र द्रुपद के लिए। डॉक्टर विवेक देबराय को जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, इनको ऑनरिस कोसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता के द्वारा। अक्षय कुमार को यहाँ पर ऑनररी एम्बेसडर बनाया गया है लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन का। इंटरनेशनल जीरियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस 2018 इनॉग्रेट की गई थी दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली के द्वारा, और इसकी थीम रखी गई थी इंक्रीज द लॉन्जिविटी विद रिड्यूस्ड फ्रेजिलिटी एंड एनहेंस्ड मोबिलिटी। मोडी इन्वेस्टर सर्विट ने यहाँ पर अपना ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जारी किया 2018-2019 के लिए, और इसमें इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन स्पेकुलेशन किया है 7.5% का किया है 2018-2019 वर्ष के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूपी ट्रिपल एससी में फिच का प्रोजेक्शन पूछ लिया गया था, तो इस तरह के प्रोजेक्शन जो है ऐसी सर्विसेज के ध्यान रखने पड़ते हैं हमको। 7.5 इन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ है 2018-2019 वर्ष के लिए इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ प्रोजेक्शन। मल्टीनेशनल काउंटर टेरर एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की गई थी संघाई सहयोग कॉरपोरेशन यानी संघाई सहयोग संगठन के द्वारा, यहाँ पर शरबाकुल नाम की जगह पर रशिया में कंडक्ट की गई थी, और ये पहला ऐसा इवेंट था जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज की थी भले ही संयुक्त रूप से किसी ग्रुप में। नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऐप यानी कि नेता ऐप शुरू किया गया है यहाँ पर, प्रणब मुखर्जी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड बॉन्ड आई शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें यहाँ पर जो बॉन्ड आई है ये ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रहेगा, और सिडनी में एक फेमस बॉन्डी बीच है उससे संबंधित इसका नाम रखा गया है बॉन्डी यानी कि बॉन्ड आई। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में 22 सितंबर 2018 को एक यूथ कॉन्क्लेव रखी गई थी अटल के नाम से, यानी कि अरुणाचल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एस्पिरेशनल लीडरशिप। 2018 कृषि कुंभ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी कहां पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर केन रिसर्च तेलीबाग लखनऊ में। अब जो मैं अपॉइंटमेंट आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो अभी तक रक्षा मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर हुआ करते थे, अब ये चेयरपर्सन बन गए हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के 2 वर्ष के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल जो है कहां पर शुरू हुआ था? ऑड्रे हाउस रांची में झारखंड में, ठीक है। फवाद मिर्जा जो कि बेंगलुरु से आते हैं, इन्होंने एक सिल्वर जीता था यहां पर इक्विस्टीरियन इवेंट में घुड़सवारी में, ठीक है। तो और ये पहला ऐसा इंडियन बने थे जिन्होंने एशियन गेम्स में इस इवेंट में एक मेडल जीता था। 36 वर्ष के बाद इन्होंने मतलब इक्विस्टीरियन इवेंट में किसी भी इंडियन के द्वारा एशियन गेम्स में मेडल जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट इनका नाम फवाद मिर्जा। स्पाइस जेट ने पहला कंडक्ट करवाया इंडिया का पहला टेस्ट फ्लाइट पावर्ड बाय बायोजेट फ्यूल। अभी एयर टर्बाइन फ्यूल से जो बायोजेट रन किए जाते हैं उसके बदले एक बायोफ्यूल से रन किया गया एयरक्राफ्ट, और इसमें हमारे 30 डेलीगेट मौजूद थे, और ये सक्सेसफुल फ्लाइट रही थी। जेट्रोफा क्रॉप को यूज करके ये बायोफ्यूल डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है बायोफ्यूल? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ने यहाँ पर इसको बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का सहयोग लेकर के। जितने भी डेवलप्ड नेशन है इसका प्रयास कर चुके हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, पहला डेवलपिंग कंट्री बना इंडिया जिसने अब बायोफ्यूल के माध्यम से ऐसा जेट उड़ाया हो। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करी थी? सबसे पहले ब्रिटेन की एक एयरलाइंस ने पूरे विश्व में सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि 20% जो है हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे इथेनॉल की पेट्रोल में 2030 तक। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रमादित्य, इसमें
मरीन हाइड्रोलिक सिस्टम्स यहाँ पर लगवाए जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखेंगे इसमें। और रशिया के रोस्टेक स्टेट कॉरपोरेशन के द्वारा इसमें ये लगवाए जाएंगे। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC 2018 का ये तीसरा संस्करण था, ये हनोई में शुरू हुआ है वियतनाम में। थीम रही थी बिल्डिंग रीजनल आर्किटेक्चर्स। पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 में प्रपोज किया गया है कि लेप्रोसी को ग्राउंड जो है डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज का आपसे ना माना जाए, यानी कि डिवोर्स लेप्रोसी के आधार पर नहीं मिल सकता, यानी कि अगर आपका पार्टनर को लेप्रोसी हो गई है तो उसके आधार पर डिवोर्स नहीं मांगा जा सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कमेटी बनाई है, इंजीति श्रीनिवास उसके हेड रहेंगे और ये अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। पीनल प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में सत्याश त्रिपाठी जो कि बन गए असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस एट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप के न्यूयॉर्क ऑफिस के हेड बन गए हैं सत्याश त्रिपाठी। इनका अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रविंदर कुमार सिंघल महाराष्ट्र के IPS ऑफिसर ने अभी आयरन मैन ट्रायथलॉन को यहाँ पर कंप्लीट किया सक्सेसफुली, और ये काफी एक एग्जॉस्टिंग इवेंट होता है। आयरन मैन का टाइटल दिया जाता है इसमें, जो कि 15 और 13 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया है, और स्टिपुलेटेड टाइम इसमें रखा जाता है 17 आवर का। इसमें बहुत सारे इवेंट आपको करने पड़ते हैं आयरन मैन का टाइटल लेने के लिए। 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग करनी पड़ती है, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी पड़ती है, 42.2 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है, ये जो कि एक फुल मैराथन होता है। ये सब चीजें आपको विद इन 17 आवर करनी होती है, और ऐसा करने वाले को मिलता है आयरन मैन का टाइटल। तो आयरन मैन का टाइटल अचीव किया है 17 आवर से भी पहले हमारे ऑफिसर रविंदर कुमार सिंघल ने, सैल्यूट टू हिम। इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन और CEO, इनको सिलेक्ट किया गया था एशिया सोसाइटी गेम चेंजर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए। अब पेप्सिको की चेयरपर्सन से स्टेप डाउन कर चुके हैं इंदिरा नूई, ध्यान रखेंगे इसको। रेमन लगवाटा इनकी जगह पर आए हैं। जापान की वुमेन्स नेशनल टीम ने नवा एडिशन जीत लिया है 2018 फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का, जो कि इन्होंने स्पेन की टीम को हरा करके जीता था, फ्रांस में ये हुआ था एडिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 6 चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के लखवाड़ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का समझौता किया है। ये 6 स्टेट्स कौन से हैं ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, लखवाड़ में बनेगा, लखवाड़ कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसका स्टोरेज कैपेसिटी इतना है, और साथ ही साथ इसमें हाइड्रो पावर भी जनरेट किया जाएगा। हाइड्रो पावर का सर्वाधिक हिस्सा किसको मिलेगा ये आप हमको कमेंट्स में लिख करके बताइए। हाइड्रो पावर जो भी जनरेट होगा उसका सबसे ज्यादा हिस्सा किस राज्य को मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है एक अम्ब्रेला स्कीम को, जिसका नाम है ओ स्मार्ट, यानी कि ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इसका इंप्लीमेंटेशन करने वाली है। ओवरऑल कॉस्ट इतनी रहने वाली है, 16 सब प्रोजेक्ट्स इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के अंतर्गत चलेंगे, और इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है यूजर कम्युनिटीज को। कोस्टल और एशियन सेक्टर्स जो संबंध रखते हैं, जैसे फिशरीज, ऑफशोर इंडस्ट्रीज, जनरल मछुआरे भी हैं, उन सभी को सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। गूगल ने अपने इंडिया के इवेंट में प्रोजेक्ट नवलेखा की शुरुआत की है, जिससे वर्नैकुलर न्यूज पब्लिशर्स अपने कंटेंट को ऑनलाइन ला सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, और अपने कंटेंट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, और अपने जितना भी कंटेंट है उसको PDF फॉर्म में ला सकते हैं, टेक्स्ट PDF के फॉर्म में, बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेटली। नॉर्थ कोरिया होस्ट करेगी 2019 एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को, और इसकी कैपिटल प्योंगचांग में होगा। उल्का महाजन और इनको मिलेगा प्रफुल्ल बिदवाई मेमोरियल अवार्ड 2018 के लिए। इस अवार्ड का नाम, अवार्डी का नाम ध्यान रख सकते हैं आप अवार्ड्स एंड ऑनर्स के में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एडवाइस करेंगे मैटर्स रिलेटेड टू साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इसको PM स्ट्राइक बोला जा रहा है इस कमेटी को, इसको हेड करेंगे के विजय राघवन। इमरसन मंगागवा अभी बने थे न्यू प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के, ये आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 220 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, और 80 बिलियन डॉलर का एक गारंटी एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया एनर्जी एफिशिएंसी स्केल अप प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि आपके उजाला योजना को भी इम्प्लीमेंट कर रही है। इस प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 170 मिलियन टन CO2 को यहाँ पर कम कर सकते हैं, और 10 गीगावाट तक एनर्जी जो है एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको बचा सकते हैं इस उजाला प्रोग्राम के माध्यम से। सार्क एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम स्टार्ट हुआ था काठमांडू नेपाल में, अगस्त 29 को हुआ था ये याद रखेंगे आप लोग। UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन फार्मर्स एसोसिएशन का ये ज्वाइंट वेंचर था। G20 डिजिटल इकोनॉमी की मिनिस्ट्रियल समिट कहां पर हुई थी, साल्टा अर्जेंटीना में। थीम रही थी बिल्डिंग कंसेंसस ऑन
फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद गए थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इस समय देख रहे हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, इंडिया की तरफ से ये शामिल हुए थे इस मीटिंग में। रुचि घनश्याम को अपॉइंट किया गया था हाई कमिश्नर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूके के लिए। 14वां एडिशन यहाँ पर शुरू हुआ था मैरीटाइम एक्सरसाइज काकाडू का। काकाडू डार्विन जगह पर हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 29 अगस्त को। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसमें करती है एक्सरसाइज, आप याद रखिएगा। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से नेवल शिप INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करते हैं काकाडू के नाम से, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। ऑस्ट्रो हिंद के नाम से भी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, वो आर्मी की एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम लोग करते हैं। वर्ल्ड बैंक राजस्थान को 250 मिलियन की लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो अपने राज्य में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑगमेंट कर सके और 24x7 पावर फॉर ऑल प्रोग्राम को अचीव कर सके, यानी कि 24x7 पूरी समय बिजली मिल सके राजस्थान को। कृष्ण कुटीर यहाँ पर सेटअप किया गया है, कहाँ पर, मथुरा में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD का यह प्रोग्राम है स्वाधार गृह स्कीम के तहत, इसमें पूरा फंड किया है WCD ने, मेंटेनेंस करेगा उत्तर प्रदेश का शासन यहाँ पर, तो ये इसमें कुल मिलाकर बात है। WCD की मंत्री मेनका संजय गांधी, UP CM योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन मथुरा में इसका इनॉग्रेशन किया था 31 अगस्त 2018 को। ये बेसिकली एक ओल्ड एज होम है, 1000 विडोज यहाँ पर निवास कर सकती हैं, उनको यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जिससे वो अपने बाकी का बचा हुआ जीवन अच्छी तरीके से गुजार सकें। जर्मनी ने एक सॉफ्ट लोन सैंक्शन कर दिया है 120 मिलियन यूरो का इंडिया को नेशनल क्लीन गंगा मिशन के लिए, जिससे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तराखंड में इंप्रूव किया जा सके। इसके अलावा जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है गंगा बॉक्स, ये एक गंगा बॉक्स के माध्यम से टारगेट करेंगे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन को और उन्हें बताएंगे रिवर की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट भी रहेगा। डेनूब बुक की तर्ज पर एक गंगा बुक भी यहाँ पर लाई जाएगी, जैसे राइन रिवर में ये क्लीनिंग प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था, वैसे ही गंगा में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम शुरू किया था मील बंचे के नाम से, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल में शुरू किया गया था और ये अपनी तरह का एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिससे स्किल इंप्रूव की जा सके चिल्ड्रेन की, उनको पढ़ने का मतलब रुचि जनरेट की जा सके और कुल मिला के थोड़ी को करिकुलर एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके, यानी मेन सिलेबस के अलावा कुछ चीजें यहाँ पर की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने एक नई रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, इसको अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेटिव अचीवमेंट्स ARIIA कहा जाएगा। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रैंक दी जाएगी यहाँ पर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, जो ज्यादा इनोवेशन को अपने यहाँ पर प्रमोट करेगा उसको पहली रैंक मिलेगी, इस हिसाब से है। ये फोकस करेंगे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल वाले थोड़ा सा इनोवेशन पर भी फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज को प्रमोट करें। 4th edition बिम्स्टेक समिट का खत्म हुआ था यहाँ पर काठमांडू नेपाल में, काठमांडू डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था इसमें, तो बस यही आप इसमें ध्यान रखेंगे फैक्ट बेस्ड चीजों में, और बकायदा सेपरेट वीडियो सर ने डाला हुआ इसके बारे में। 5th BIMSTEC समिट जो है ये श्रीलंका में प्रस्तावित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, इंडियन रेलवे ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था गेल इंडिया लिमिटेड के साथ, जिससे कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जा सके रेलवे वर्कशॉप्स में वेल्डिंग वगैरह करने के लिए, और ना कि कन्वेंशनल गैसेस का जो ज्यादा पोल्यूशन करती हैं वगैरह वगैरह। नीति आयोग ने मूव हैक का शुभारंभ किया था, मूव हैक के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये 2 दिन की सबमिट थी, अब तक का सबसे बड़ा ये आपका हैकेथॉन बताया जा रहा है, पूरे इंडिया का, पूरे विश्व का बताया जा रहा है ये, और कुल मिलाकर के मोबिलिटी को लेकर इसमें जो है बातें हुई थी, मोबिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपने इंडिया में, नंबर ऑफ कार्स को बढ़ाना है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ हमको हाईवेज को भी एक्सपेंड करना है, साथ ही साथ हमको पोल्यूशन को भी कम करना है, इन सब चीजों पर यहाँ जो है कंटेम्पलेशन हुए थे। मध्य प्रदेश में एलिफेंट्स के लिए कान्हा नेशनल पार्क में एक वीक लॉन्ग पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें विश्व के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश में, भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि बेस्ट इसको शुरू कर रही है, और कॉमर्शियल ऑपरेशन सभी शुरुआत होंगे मई 2019 से, अभी खाली शुभारंभ हुआ है इसका। पैसिफिक इंडिवियर 2018 के नाम से मल्टीनेशनल कम्युनिकेशन इंटरप्रोपेल्डी यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, इसको इंटररोपेल्डी जो भी कहते हैं, ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था काठमांडू नेपाल में 6 अगस्त को यहाँ पर। इसका यही पर्पस था कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं एशिया पैसिफिक रीजन के, उनके देशों में
मिलिट्री के पास कॉमन कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाए, उनके बारे में जानकारी रखी जाए। इंडियन वुमेन की चेस टीम ने यहाँ पर गोल्ड जीता था ब्लिट्स इवेंट में, एशियन नेशनल चेस कप 2018 में, जो कि ईरान में हुआ था। इसमें चार इवेंट करीब होते हैं, ब्लिट्स वाले में यहाँ पर इंडिया की वुमेन चेस टीम ने गोल्ड जीता। सरकार ने चार मेंबर का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है, जिसके हेड रहेंगे श्री सुरेश प्रभु, और ये प्रस्ताव रखेंगे मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। इस पर इश्यूज के इस पर इन सारे इश्यूज को देखने के लिए ये समिति बनाई गई है। इंटरनेशनल बुद्धिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन यहाँ पर हुआ था नई दिल्ली में, बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज इसका थीम रहा था। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था अगस्त में। इसमें 29 कंट्री के मिनिस्ट्रियल लेवल के डेलीगेशन ने विजिट किया था, और इनको बुद्ध से संबंधित जो भी हमारे चीज़ें हैं भारत में, उनसे परिचित करवाया जाना था इसमें, जैसे नई दिल्ली, अजंता के केव्स, राजगीर, नालंदा, बोधगया, बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो है, इन सब चीज़ों पर इनको दिखाया जाना था। ये तो बात हो गई इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ये लुम्बिनी नेपाल में हुई थी। तो इनको साथ ही साथ हमने लिख दिया है, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन देखा गया था। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव अलग है, नई दिल्ली में हुई इंडिया में। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? लुम्बिनी नेपाल में। इस कॉन्फ्रेंस के एंड में 10 पॉइंट लुम्बिनी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने कैपिटल सिटी नया रायपुर को अटल नगर के रूप में नाम देने की बात कही थी यहाँ पर, अटल जी के नाम पर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे इसमें। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट जैसे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर यूनिवर्सिटी, इसका भी नाम बदल करके अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा दिया जाएगा। इंडियन वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम ने यहाँ पर सेकेंड एडिशन साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन कप का जीत लिया है, अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप में, और बांग्लादेश को यहाँ पर आया था फाइनल में। ये फाइनल कहाँ पर हुआ था? भूटान के थिम्फू में हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ी सी लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, 2018 के इवेंट का होस्ट कौन रहा है? भूटान रहा है। चैंपियन कौन रहा है? इंडिया रहा है। और फाइनल में किसको हराया? बांग्लादेश को हराया। 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी होने वाली है? ये ऑटोबायोग्राफी रहेगी वीवीएस लक्ष्मण की। पूर्व इंडियन आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अवार्ड किया गया है यूएस के लीजन ऑफ मेरिट डिग्री ऑफ कमांडर से, पेंटागन वाशिंगटन डीसी में। ये अवार्ड पहले भारत में से जनरल राजेंद्र सिंह जी जाडेजा को मिला था 1946 में। दूसरे ऐसे मिलिट्री ऑफिसर बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, इनकी सर्विसेज के लिए मिला है 2014 से 2016 तक के, इनकी जो सर्विसेज थी इंडिया में उसके लिए इनको मिला है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे रहे थे इस बीच, तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको। यूएस का लीजन ऑफ मेरिट डिग्री ऑफ कमांडर का अवार्ड इनको मिला है। पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है सुषमा स्वराज के द्वारा। 11वें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट पोर्ट लुइस मॉरिशस में, ये पाणिनी लैब जो है इंडियन लैंग्वेजेस को मॉरिशस के लोगों को सिखाने में हेल्प करेगी। फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल और घाना के डिप्लोमेट कोफी अनान का निधन हो गया था, आप ध्यान रखेंगे इनको। कोफी अनान जो है ये पहले ब्लैक अफ्रीकन बने थे यूएन सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने 3 मेंबर की कमेटी गठन किया है, जिसके हेड रहेंगे बी शशिकेरन। जो मैंने आयोग का वीडियो बनाया था उसमें ये चीज गलत हो गई थी, मैंने निखिल टंडन को बता दिया था, निखिल टंडन नहीं है हेड, बी शशिकेरन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करने के लिए जो समिति बनाई गई है FSSAI के द्वारा, उसके हेड रहेंगे बी शशिकेरन, ना कि निखिल टंडन। यूनियन मिनिस्ट्री ने HRD ने यहाँ पर 5 मेंबर की एक कमेटी गठन किया है JEE एडवांस्ड एग्जामिनेशन में चेंजेस को रिकमेंड करने के लिए। इसके हेड कौन रहेंगे? इसके IIT मद्रास के डायरेक्टर भास्कर राम मूर्ति समिति को हेड करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अवर सेफ्टी आर राइट नाम से एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू की थी चिल्ड्रन में, और तंजावुर तमिलनाडु में शुरू किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो ये आप याद रखेंगे इसमें। और थीम है इसकी डबलिंग फार्मर इनकम थ्रू फूड प्रोसेसिंग। इस्को अल्बन ने अभी इंडिया के पहले ये बन गए थे जूनियर साइकिलिंग वर्ल्ड कप मेडल में जीतने वाले, मतलब भारत के पहले साइकिलिस्ट बन गए थे जिन्होंने वर्ल्ड कप साइकिलिंग में मेडल जीता था, ठीक है, समझ गए। ये कहाँ से आते हैं? ये अंडमान एंड निकोबार के हैं। KS श्रीनिवास यहाँ पर नए चेयरपर्सन बने हैं मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPDA के, और आप इनका अपॉइंटमेंट ध्यान रखेंगे, MPDA के चेयरपर्सन बने हैं श्री KS श्रीनिवास। 11वें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही थी, जो कि पोर्ट लुइस में स्टार्ट हुआ था? इसकी थीम रही थी हिंदी वर्ल्ड एंड इंडियन कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ
ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। बीएसएनएल ने वीओआईपी बेस्ड सर्विस शुरू की है बीएसएनएल विंग्स के नाम पे, जिसमें बिना सिम कार्ड के आप वीओआईपी कॉल कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें एक यूके बेस्ड ऑनलाइन मार्केट रिसर्च फर्म ने, जिसका नाम है यूगोव, इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो भारत का सबसे पैट्रियोटिक ब्रांड बताया है। ठीक है, मारियो एब्दो बेनितोस जो है, इन्होंने शपथ ली थी पराग्वे के प्रेसिडेंट के रूप में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज किया था किसने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। यहाँ पर 140 पूरे विश्व की सिटीज की रैंकिंग इन्होंने प्रिपेयर की थी। पहला स्थान इन्होंने दिया है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को। भारत की तरफ से दो सिटीज शामिल की गई हैं, दिल्ली और मुंबई। 112 रैंक मिली है दिल्ली को और 117वीं रैंक मिली है यहाँ पर मुंबई को 140 सिटीज की लिस्ट में से। लगातार 5-6 सालों से मेलबर्न यहाँ पर बन रहा था ठीक है नंबर 1, अब की बार मेलबर्न आ गया नंबर 2 पे। और वियना की कैपिटल ऑस्ट्रिया को यहाँ पर मिला है, सॉरी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को यहाँ पर नंबर 1 बनाया गया था। इस लिस्ट में डमस्कस को यहाँ पर सबसे कम रहने योग्य सिटी को रैंक किया गया था। डमस्कस क्या है, सीरिया की कैपिटल है, तो ऑफकोर्स ये लिवेबल नहीं हो सकती है। निहाल सरीन जो कि केरल से आते हैं, 53वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे इंडिया के, और 12वें सबसे यंग ग्रैंड मास्टर बन गए थे पूरे चेस के इतिहास में। तो इनका अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सरकार ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कैंपेन के लिए, और 3 शॉर्ट फिल्म इन्होंने रिलीज की थी। आर बाल्की ने इनको डायरेक्ट किया था, 63 सेकंड की ये फिल्म थी, काफी इंटरेक्टिव फिल्म थी। पीआईबी में इनका वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डी बाला वेंकटेश वर्मा को यहाँ पर राजदूत बनाया गया था इंडिया की तरफ से रशिया में। रमेश पवार को इंटरिम बेसिस पर हेड कोच बना दिया था इंडिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम का 30 नवंबर 2018 तक के लिए। ठीक है, मतलब इंटरिम कोच बनाए गए थे। 72वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अपने राज्य में 3 स्कीम शुरू की थी, फ्री लाइफ इंश्योरेंस फार्मर के लिए, रयतु बीमा, कांति वेलुगु आईज केयर सर्विस के लिए, और एक इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। रायतु बीमा के तहत हर किसान को बीमा कवर कितने का मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का। इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के लिए तेलंगाना में रहने वाले लोगों को अपना एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए। और कांति वेलुगु स्कीम जो कि आई केयर की है, इसके तहत तेलंगाना में फ्री आई केयर के कुछ यहाँ पर कैंप्स लगवाए जाने थे, बस ये आप याद रखेंगे। इसमें फ्री आई सर्जरीज, फ्री आई स्कीम्स और मेडिसिन सर्विसेज। आशीष कुमार भूटानी को यहाँ पर सीईओ बना दिया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मई 2020 तक के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपका, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। प्रसार भारती ने यूट्यूब के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया था, जिससे 22वें हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाइव प्रसारण किया जा सके। संथाली पहली ऐसी हमारी ट्राइबल लैंग्वेज बन गई है जिसका विकिपीडिया का अपना एडिशन अवेलेबल होगा नेटिव स्क्रिप्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 2018 में एक स्वच्छता सर्वे कराया था इंडियन रेलवेज ने, थर्ड पार्टी से, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से करवाया था, और यहाँ पर A1 श्रेणी और A श्रेणी में यहाँ पर स्टेशन को रैंक भी दी गई थी कौन सा सबसे साफ है। तो A1 श्रेणी में किसको मिला था, जोधपुर को सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का मतलब रैंक, और मारवाड़ को मिला था A श्रेणी में। तो यही दोनों बस आपको ध्यान रखने हैं। बलराम दास जी टंडन का निधन हो गया था यहाँ पर, अब छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है आप लोग कमेंट्स में लिख करके बताइए, इनकी जगह पर इंटरिम गवर्नर कौन बनाई गई है। हमने आपको इंडिकेशन भी दे दिया छत्तीसगढ़ की इंटरिम गवर्नर कौन बनाई गई है इस समय बताइए। चाइना ने अपने काफी हाई एंड वेव राइडर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट जिंगकॉन्ग सेकेंड का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, ये काफी हाई एंड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेस है, और अभी तक ऐसा हेलीकॉप्टर मतलब ऐसा डिफेंस सिस्टम खाली यूएस के पास था। चाइना पहला एशियन कंट्री बन गया इस तरह का हेलीकॉप्टर खरीदने वाला। जस्टिस मंजुला चेल्लूर बन गई है न्यू चेयरपर्सन एपलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करता है, बस ये आप याद रखेंगे। इसमें वर्ल्ड एलिफेंट डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 12 अगस्त को, और फेस्टिवल गज महोत्सव स्टार्ट किया गया था दिल्ली में। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। WTI की ब्रांड एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, आप ध्यान रख लेना। नेपाल इंडिया लिटरेचर फेस्टिवल कहां पर शुरू हुआ था, बीरगंज नेपाल में। माइशेल बॉकलेट बने थे न्यू UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स 4 वर्ष के लिए, ये प्रेसिडेंट ऑफ चिली रह चुके हैं। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सहयोग शुरू किया था केरल के लिए, ठीक है, ऑपरेशन मदद शुरू किया था इंडियन नेवी ने, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एयरफोर्स ने कौन सा मिशन शुरू किया था, ऑपरेशन करुणा। मेन फैक्ट यही है और भी ज्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया था, RUCO यानी कि रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। इसका मतलब था कि हम यूज्ड कुकिंग ऑयल को
यूज़ कर सकते हैं बायोडीजल बनाने के लिए। इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है एलिफेंट डे के साथ 12 अगस्त को, और थीम रही थी सेफ स्पेसेस फॉर यूथ। एक्सिस बैंक भारत का पहला बैंक बन गया था जिसने ईरी स्कैन ऑथेंटिफिकेशन फीचर लगवाया था अपने आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन में, अपने माइक्रो एटीएम्स में, यानी कि ईरिस, तो आंख में आपकी जो इरिस होती है उसको स्कैन करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो सकेगा और उससे ट्रांजेक्शन हो सकेगा। एनी जैदी को, जो कि इंडियन ऑथर है, इनको 2018 का हिंदू प्ले राइट अवार्ड मिला था 2018 के लिए इनके प्ले अनटाइटल्ड वन के लिए। हिंदू प्राइज देता है, आपको बताया लिटरेचर में हिंदू ये नॉवल को भी देता है और प्ले को भी देता है, तो प्ले में मिला एनी जैदी को उनके ड्रामा या फिर कह सकते हैं प्ले अनटाइटल्ड के लिए। यूनेस्को ने कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व में शामिल किया था अपने 30वें सेशन मैन एंड बायोस्फेयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल के में, जो कि पैलमबोंग इंडोनेशिया में कंडक्ट हुई थी। कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व हमारा 11वां बायोस्फेयर रिजर्व था जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व में शामिल किया गया। एनडीए के कैंडिडेट हरिवंश नारायण सिंह यहाँ पर डेप्यूटी चेयरपर्सन बने थे राज्यसभा के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एसीएफ के पेपर में भी आया था, तो आप याद रखेंगे इसमें। अवि गोयल जो इंडियन स्टूडेंट हैं, ये इंटरनेशनल ज्योग्राफी बी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में इन्होंने बर्लिन में ये चैंपियनशिप जीत ली है। मैरी क्यूरी को वोट किया गया था मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन हिस्ट्री बीबीसी के हिस्ट्री मैगजीन पोल के द्वारा। जस्टिस गीता मित्तल ने शपथ ली है चीफ जस्टिस जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के लिए। मेरे वीडियो में गलत हो गया था पहले, ये एमसीक्यू वाले वीडियो में, तो जिन लोगों ने करेक्शन बताया था उनको धन्यवाद, और आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया था शायद उत्तराखंड की बनी थी, उत्तराखंड की नहीं बनी थी, ये बनी थी जम्मू और कश्मीर की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में। वर्ल्ड बायोडीजल डे हम लोग कब मनाते हैं, मनाते हैं 10 अगस्त को। राम सेवक शर्मा या फिर कह सकते हैं आर एस शर्मा बन गए थे चेयरपर्सन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के। जूलन गोस्वामी ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया गया था, मतलब उन्होंने अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से। ईरान ने अपना पहला स्टेट ऑफ आर्ट डोमेस्टिक फाइटर जेट लॉन्च किया था काउसर का, और डिफेंस शो तेहरान में उन्होंने इसको दिखाया था, तो ध्यान रखेंगे इनका पहला डोमेस्टिक फाइटर जेट है काउसर। रवीना टंडन बन गई थी ब्रांड एम्बेसडर संजय गांधी नेशनल पार्क की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया था, ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर अप्पा राव पोडिल को यहाँ पर चुना गया था प्रेस्टिजियस जेसी बोस फेलोशिप 2018 के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो देती है फेलोशिप, इसके लिए इनको चुना गया था अप्पा राव पोडाइल, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। 2018 का इंडियन बैंकिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, CEPR यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च और थिंक टैंक नीति आयोग ने मिलकर के इसको करवाया था। 9 मेंबर 5G स्टीयरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी मेकिंग इंडिया 5G रेडी के नाम से। इस 5G स्टीयरिंग कमेटी के हेड रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AJ पॉलराज, इसका गठन किया गया था 2017 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 5G को हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने इंडिया में 2020 से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑक्सीटोसिन पर बैन लगा दिया था और इसको जुलाई 2018 से लागू करने की बात कही थी यहाँ पर। इसकी सेल के लिए मोनोपोली दे दी गई थी कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च को, यानी कि अगर रैली में किसी इंस्टीट्यूट को, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर उनको ऑक्सीटोसिन की सही बात जरूरत है तो उसकी आपूर्ति करेगा कर्नाटका एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल रिसर्च यानी कि KAPL। ऑक्सीटोसिन को नए रूल के तहत शेड्यूल्ड ए से शेड्यूल्ड H1 ड्रग में डाल दिया जाएगा, यानी कि रिटेलर इसको नहीं बेच सकते हैं जब तक उनके पास शेड्यूल्ड H1 ड्रग को बेचने का सेपरेट लाइसेंस ना हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने एक 3 मेंबर की कमेटी गठन किया था माइनिंग कंपनी वेदेंता लिमिटेड की याचिका पर विचार करने के लिए तमिलनाडु की सरकार के ऑर्डर के खिलाफ कि उनका जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है उसको तूतुकुड़ी से हटाया जाए या फिर नहीं। तो इसके हेड कौन बने थे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SJ वजीफदार बने थे, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नो स्पिन नाम से किताब रिलीज की गई थी, ये ऑस्ट्रेलियन पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न की किताब है। आर्मी गेम्स 2018 कंडक्ट किए जा रहे थे आर्मेनिया और ईरान के द्वारा, भारतीय टीम ने मतलब भारत के आर्मी टीम में भाग लिया था 2 मेजर इवेंट में, टैंक बायथलॉन इवेंट में और अल्बिनो रेंजेस मॉस्को रीजन और एल्ब्रुस रिंग कॉम्पिटिशन में। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मार्केटर ऑफ द ईयर घोषित किया था अमूल ब्रांड को, ठीक है, अमूल काफी पॉपुलर ब्रांड है, इसको इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मार्केटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। इंडिया का पहला फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया था गो व्हाट्स दैट, इसको जारी किया था धर्मेंद्र प्रधान ने।
तो ये आप इसमें याद रखेंगे। इसमें QR कोड को स्कैन करके जो हेरिटेज साइट पर लगे रहते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में और टेक्निकल डिटेल्स जो है डाउनलोड की जा सकती थी अलग अलग लैंग्वेजेस में। बार फिर से बता दें, हिस्टोरिकल प्लेसेस में QR कोड लगा रहेगा, उसको जो टूरिस्ट है वो स्कैन कर सकते हैं इस गो व्हाट्स दैट ऐप में और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में। नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट ये हुई थी काठमांडू में 31 जुलाई को। प्रेसिडेंट इस समय नेपाल की हैं विद्या देवी भंडारी, अपने सेकेंड टर्म को कंटिन्यू कर रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट है नंद किशोर पुन और प्राइम मिनिस्टर है खाड्गो प्रसाद शर्मा ओली। चीफ जस्टिस अभिनय बने हैं सितंबर में ओम प्रकाश मिश्रा। गोपाल कृष्ण गांधी जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, इनको 2018 का राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिला है सद्भावना दिवस के अवसर पर। मध्य प्रदेश की सरकार ने इंडिपेंडेंस डे के दिन शहीद सम्मान दिवस मनाया था, यानी कि जो मरणोपरांत सैनिक हैं उनके परिवार वालों को सम्मानित किया था। डर्बन फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन मनाया गया था इंडिया कंट्री डे, इसमें न्यूटन को अवार्ड दिया गया था। बेस्ट फिल्म का विलेज रॉकस्टार को स्पेशल मेंशन मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था भानिता दास को विलेज रॉकस्टार फिल्म से। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था विलेज रॉकस्टार के डायरेक्टर रीमा दास को। छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च करा था मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल तिहाड़ संचार क्रांति योजना के तहत। इसमें कुल मिलाकर के स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे लोगों को मोबाइल तिहाड़ स्कीम के अंतर्गत, संचार क्रांति योजना के अंतर्गत। इसके लिए 50 लाख बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाना था और भी ज़्यादा मोबाइल टावर यहाँ पर लगवाए जाने थे। इसको छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कंगना रनौत के साथ मिलकर के शुरू किया था। तेलंगाना की सरकार जल्द ही अपने राज्य में बी हब स्टैब्लिश करेगी बायोटेक एंड बायोफार्मा सेक्टर चिनॉम वैली हैदराबाद में। राजस्थान पहला राज्य बन गया था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अक्षय वेंकैया जो कि एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन है, इनको 2018 फील्ड मेडल अवार्ड दिया गया था। उन चार साइंटिस्ट में से एक थे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो फील्ड मेडल है 4 साल में एक बार दिया जाता है, ये मैथ्स का नोबल प्राइज माना जाता है। ओडिशा ने अपना नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है हर्ट बीट फॉर हॉकी, यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप जो मेंस वाला होने वाला है 2018 में, उसको प्रमोट करने के लिए। हॉकी वर्ल्ड कप कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में होगा नवंबर 28 से लेकर के दिसंबर 16 तक। इसका मैस्कॉट कौन बनाया गया है? इसका मैस्कॉट बनाया गया है ऑलिव रिडले कछुआ, जिसका नाम रखा गया है ऑली। यूनाइटेड नेशंस की ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया को 96वां स्थान दिया गया है और डेनमार्क को इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। इसमें यही देखा जाता है कि कौन सी कंट्री प्रयास कर रही है अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऐसे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स को डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक सॉफ्टवेयर की शुरुआत करी थी ई अक्षरायण, जिसके तहत किसी भी पेज को हम स्कैन करके उसका पीडीएफ बना सकते थे एडिटेबल टेक्स्ट में किसी भी इंडियन लैंग्वेज का। 7 इंडियन लैंग्वेज को अभी सपोर्ट करने वाला था। शुरू में हिंदी बांग्ला मलयालम गुरुमुखी तमिल कन्नड़ असामी। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने शुरू किया था रूरल क्लीनिनेस और सैनिटेशन कार्यक्रम स्वच्छ मेव जयते। कर्नाटक स्टेट को अभी 5 लाख टॉयलेट्स और बनवाने की जरूरत है 2 अक्टूबर से पहले 2019 में अपने स्टेट को ODF घोषित करवाने के लिए। तो इन सब कार्यक्रमों को बूस्ट करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन रूरल और अर्बन दोनों को प्रमोट करने के लिए ये कुल मिलाकर के ये शुरू किया गया है। रंजीत श्रीवास्तव एक रांची बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिन्होंने वर्ल्ड के पहले हिंदी स्पीकिंग ह्यूमनाइड रोबो को डेवलप किया है और लिप सिंकिंग ये रोबोट है। इसका नाम इन्होंने रश्मि रखा है। इसको आप पहले ह्यूमनाइड सोशल रोबोट सोफिया से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भोजपुरी हिंदी मराठी बोल सकता है इंग्लिश के साथ साथ और काफ़ी अच्छा AI बेस्ड ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि रश्मि नाम से इन्होंने डेवलप किया है रंजीत श्रीवास्तव ने। देखते हैं सोफिया से कम्पीट कर पाता है या फिर नहीं। मैत्री 2018 से युद्धाभ्यास किया था इंडियन आर्मी ने और रॉयल थाई आर्मी ने। कुल मिलाकर के हम थाईलैंड के साथ युद्धाभ्यास करते हैं मिलिट्री का मैत्री के नाम से। मित्र शक्ति के नाम से हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ, मैत्री के नाम से करते हैं थाईलैंड के साथ, इसमें कन्फ्यूज आप नहीं करिएगा। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने टेक महिंद्रा के साथ हैदराबाद को एक ब्लॉक चेन डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर समझौता किया था। IIT मद्रास ने राइस क्रीक के नाम से यहाँ पर स्पेशल चिप्स कुछ डेवलप की थी प्रोजेक्ट शक्ति के तहत इंटेल के ओरिगोन में। ये कुछ हाई एंड स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं, अभी 300 बनाई गई हैं, इनको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जा सकेगा। इनको इंटेल के फैसिलिटी ओरिगोन में डेवलप किया गया इंटेल की सहायता लेकर के प्रोजेक्ट शक्ति के तहत।